सारे साथियों का स्वागत है। आज यह कार्यक्रम हमारे आलोक दूत के नाम से राइट टू एजुकेशन फोरम टीचर्स फॉर चेंज हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद के संयुक्त प्रयास से आयोजित हो रहा है। आज राइट टू एजुकेशन फोरम एक राष्ट्रीय स्तर का फोरम है जो शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति और उसकी मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। दूसरी दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग लगातार जद्दोजहद में लगे रहते हैं। उसके राष्ट्रीय संयोजक मित्र रंजन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। टीचर्स फॉर चेंज शिक्षकों का एक ग्रुप है, शिक्षकों का एक मंच है, जिसमें वैसे शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव की चाहत रखते हैं, ऐसे सारे शिक्षकों को हमने जोड़ने का काम किया है और उनके साथ चलने का काम किया है। हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद में एक छोटा सा प्रयोग है और वह प्रयोग धीरे धीरे लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके बारे में मैं अपेक्षा करूंगा कि गालिब साहब उसके बारे में छोटा सा बयान भी देंगे कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट की वैज्ञानिक चेतना बच्चों में किस तरह विकसित हो, इसके लिए हसरत मोहानी साइंस घर एक प्रयोग कर रहा है स्कूल के बच्चों के साथ। और किस तरह आज वह लोकप्रिय हो गया है कि जब उसके शिक्षक गांवों और गलियों से गुजरते हैं तो बच्चे उनके साथ हो लेते हैं, एक रोमांचक वर्णन है। आज हमने इस आलोक दूत कार्यक्रम का आयोजन एक विशेष प्रयोजन से किया गया है। जैसा कि हम सारे लोग अवगत हैं, यह पूरा सिस्टम और यह पूरा मीडिया शिक्षकों के विरोध में एक तरह से तनकर खड़ा हुआ प्रतीत होता है। है मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि शिक्षकों में, लेकिन उन कमियों को उजागर भी किया जाना चाहिए, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ढेर सारी अच्छाइयां भी हैं। जब मैं यह बोल रहा हूं तो बहुत पहले कई साथियों ने इसको पढ़ा भी होगा, धर्मवीर भारती का एक लेख था जिसमें एक लड़के का जिक्र करते हुए किसी कोर्स में किसी क्लास में हुआ लेख है भी शायद, कि एक लड़के का जिक्र करते हुए कि किस तरह अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए जो अखबार नहीं करते हैं। उस समय अखबारी मीडिया हुआ करते थे, जो अखबार नहीं करते हैं और कोई अच्छाई की खबर होती है तो एक कोने में दुबकी हुई दिखाई पड़ती है जिसका असर नहीं पड़ता है। और जितनी बुराइयां हैं कि उसने छीन लिया, उसने रेप किया, उसने यह झूठ कहा, उसने वहां कत्ल किया, इन सारी खबरों से, नकारात्मक खबरों से अखबार पड़े रहते हैं, आज की मीडिया भरी रहती है। तो समाज के जो प्रगतिकामी लोग हैं उनका यह दायित्व हो जाता है कि उन बातों को, जिन बातों से समाज में उजाला फैल सकता है, उन बातों को उजागर करने और फैलाने की कोशिश करें। उसी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हम और हमारा यह समूह आज हमारे आलोक दूत नाम से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उन यह पूरा कार्यक्रम उन सारे तमाम शिक्षकों को समर्पित है जो अनेक कठिनाइयों के बीच, जद्दोजहद के बीच लगातार काम कर रहे हैं और शिक्षा में नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मैं कई सारे ऐसे शिक्षकों को जानता हूं। यहीं पर मैं यह एक टिप्पणी भी कर देता हूं कि बहुत पहले यह सारा प्रस्ताव गालिब साहब का था, लेकिन बहुत पहले मैंने दो चार शिक्षकों से, मेरी यह करीब 15-20 वर्ष पहले की बात है कि दो चार ऐसे शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे मैं बेतरह प्रभावित हुआ और मैं चाह रहा था कि अखबारों में इन पर निकले।
मैं इसके लिए हिंदुस्तान अखबार में गया, वहां पर उसके संपादक से मैंने भेंट की और उसकी जो नकारात्मकता मैंने देखी उससे मेरा दिल बैठ गया। आज इन 15 वर्षों के बाद जब गालिब साहब ने यह प्रस्ताव रखा कि इस तरह की बातचीत हमको करनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जगमगा करके वह ख्वाहिश बाहर निकली होगी और किस तरह मैंने इसको किस उल्लास के साथ इसको स्वीकार किया होगा। तो यह कार्यक्रम, आज का यह कार्यक्रम उन सारे शिक्षकों को समर्पित है, उन तमाम शिक्षकों को समर्पित है जो अनेक जद्दोजहद के बीच मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, लाइट जरा दे दीजिए, हमारे विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम अभावों के बावजूद शिक्षकों, अन्य शिक्षकों और अधिकारियों के साथ नहीं देने के बावजूद लगातार वे जद्दोजहद करते हुए एक मशाल लेकर के नई मिसाल करते रहे। मैं सारे शिक्षकों का स्वागत करता हूं। ऐसे इस परंपरा की पहली कड़ी में या पहली कड़ी है, हम लोगों की योजना है कि हम लोगों के पास ऐसे शिक्षकों के कारनामे जब कुछ एकत्र हो जाएंगे तो हम उन्हें प्रकाशित करने की भी कोशिश करेंगे। जिन शिक्षकों की बात से हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, उन तमाम शिक्षकों से अनुरोध है कि वे लोग अपने अपने कामों के बारे में लिखित भी देंगे ताकि हम उसे पुस्तक का आकार प्रकाशित कर सके। आज जो शिक्षक हमारे साथ जो चीत में जुड़े हैं वह है विजेंद्र केसरी जी रोहतास से, जहां आरा खातून जी सहरसा से, सुजीत कुमार बाल भवन किलकारी से हैं, एस मनोज हैं बेगूसराय से, अर्चना कुमारी जी हैं औरंगाबाद से, और चंद्रशेखर साहू जी हैं औरंगाबाद से। ये तमाम शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत करने के पूर्व मैं गालिब साहब से अनुरोध करूंगा कि यह सारा विजन गालिब साहब का है, मेरा इसमें बहुत नहीं है, तो यह सारा श्रेय मैं गालिब साहब को देता हूं और गालिब साहब से अनुरोध करता हूं कि आज की इस बातचीत को प्रस्तावित करने की कृपा करेंगे। और सारे साथियों से मेरा अनुरोध है, सारे वक्ताओं से अनुरोध है कि 10 से 15 मिनट, 15 मिनट की सीमा को न लगेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का खत्म होने लगता है और फिर वे आउट होने लगते हैं। तो 10 से 15 मिनट में अपनी बात कह देंगे और बाद में हम उनको पुस्तकाकार जब प्रकाशित करेंगे तो उन बातों को रखेंगे विस्तार के साथ। तो मैं विषय को प्रस्तावित करने के लिए गालिब साहब को आमंत्रित करता हूँ। गालिब साहब तैयार कर गए, लेकिन अभी ट्रेनिंग सब गालिब साहब। हाँ गालिब साहब बोलिए। मैं वेलकम है साइंस के इस कठिन दौर में, साइंस की है जिसके जरिए पूरी दुनिया सरवाइव कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। साइंस के सहारे हम आप अपने अनुभव को साझा कर अनिल जी ने शुरू में इंटरव्यू में बात रखी, ऐसा नहीं कि केवल गालिब प्रयास है, ये एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है, साझा सपना है, शेयर ड्रीम। जितना गालिब साहब का क्रेडिट है उतना सारे लोगों का क्रेडिट है, आगे जो इसमें हिस्सा लेंगे उनका भी क्रेडिट। ये जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में अनिल जी ने बताया, मेरा टिप्पणी है सारे प्रतिभागियों पे, चाहे चंद्रशेखर साहू होंगे, पारिवारिक कारण से नहीं आ सके, उनकी मदर एडमिट हैं आईसीयू में, हम लोग प्रे करें कि वो
अच्छे तरीके से घर वापिस जाए। उसके जगह पर मैंने सुधीर को जो इलकारी बाल भवन में काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था, अर्चना जी हैं सारे, सुधीर मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बेसिकली एक प्रैक्टिशनर एकेडमिशियन है, अंडर कोट एंड कोट एक प्रैक्टिशनर एकेडमिशियन, एक एकेडमिशियन जो थ्योरी देता है, पर्सपेक्टिव देता है, और ये वो सारे एकेडमिशियन हैं जो इस थ्योरी को बहुत ही श्रम के साथ जूझते हुए धरातल पर उतारने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए मैं इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बेसिकली दे आर प्रैक्टिशनर एकेडमिशियन, चाहे वो विजेंद्र केसरी हो, मनोज हो, साहू जी हो, अर्चना जी हो, जहारा हो, तो ये प्रतिदिन डेली बच्चों से जूझते हैं, समाज से जूझते हैं, पाठ नीरस पाठ पुस्तक से जूझते हैं और उसको रोचक बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये कोशिश है, जैसा अनिल जी ने बताया, ये श्रृंखला हम चलाएंगे, पूरे बिहार में चलाएंगे, और जब चलाएंगे तो कामयाबी भी मिलेगी। और हम लोग ये भी योजना है कि आप जो अनुभव आज रखेंगे, तब से मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि आप एक नोट हमको व्हाट्सएप कर देंगे तो हम लोग एक मटेरियल के तौर पर भी निकालेंगे। तो ये कोशिश है, और ये कोशिश मैं अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी की एक कड़ी है आज का ये संवाद, आज का ये डायलॉग, आज का ये विमर्श। आलोक दूत जिसका नाम राय जी ने दिया है, मैं अपने प्रखंड में क्या बोलते हैं कुटुम्बा में जहाँ से साहू जी हैं, हसपुरा ब्लॉक जो मेरा गली ब्लॉक है, दाऊद नगर जहाँ से रामाकांत को आना था, अब तक करीब करीब 262 स्कूलों मिडिल स्कूलों में हमने पहुंच बनाई है बच्चों के भी। इस कोरोना काल में भी इन बच्चों का ग्रुप बना करके प्रतिदिन कुछ उनको भेजते हैं, उनके जालो रखते हैं, देते हैं, और इसी क्रम में दो इंस्टीट्यूशन भी हम उन्होंने बनाने की कोशिश की, एक ब्लॉक लेवल पर हर्षद मौलाना आजाद साइंस घर, और एक अपने पंचायत लेवल पर हर्षद महाने साइंस घर। हर्षद महाने एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने ही दिया। मौलाना आजाद के बारे में बहुत ज्यादा कहना नहीं है, शिक्षा दिवस उनके नाम पर मनता, तो ये कोशिश चल रही है, कभी स्ट्रक्चर्ड है, कभी अनस्ट्रक्चर्ड है, उसी के कड़ी में ये एक संवाद आलोक दूत। मेरा तो सुझाव है अनिल जी से और जी के, इस आलोक दूत का क्या क्या नाम हम बिहार के अनाम शोधकर्ता कर सकते हैं, अननोन अनाम शिल्प शैक्षिक शिल्पकार पेश हो सकते हैं, लग सकते हैं। तो आज के बैठक में प्रथम के साथी भी जुड़े हुए हैं, दीनानाथ सिन्हा और उनका ग्रुप। इस पूरे आयोजन में जो हम हसपुरा में कर रहे हैं, कुटुम्बा में कर रहे हैं, फिर इसका विस्तार हम रोहतास में कस्तूरबा विद्यालय में तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस सारे कामों में हमको जो अकेडमिक सपोर्ट मिला है, जो दृष्टि मिली है, प्रथम का भी योगदान है, तो प्रथम के साथियों को का भी मैं स्वागत करता हूँ। ये शुरू के काल में अभी प्रथम ने वजह से हमको फुल टाइम साइंस ट्रेनर दे रखा है, यानी जो अस्थायी रूप में अस्पताल में रहते हैं कोरोना के कारण, वह घर पे हैं। तो ये पूरा प्रयास जो एक साधा प्रयास है, साधा स्वप्न है, अब साधा आज हम चर्चा करेंगे यहीं पर अपनी बात को रोकते हुए। फिर से सभी साथियों को साइंस जिंदाबाद, क्योंकि जिसके पास साइंस है वही बच रहा है, वही बचेगा। धन्यवाद। शुक्रिया गालिब साहब। और गालिब साहब की इस प्रस्तावना के बाद अगले वक्ता के रूप में मैं जहारा खातून जी को आमंत्रित करता हूं।
सहरसा से हैं, जहां जहां आरा खातून जी। सभी साथी को मेरा नमस्कार है, गुड आफ्टरनून सर। मैं जहां आरा सहरसा के प्रखंड बनमाई टहरी कुसमी गांव से बोल रही हूं। मैं यहां पे अभी शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय तेलियाहाट में हूं और मैं अपने ब्लॉक में केआरपी के रूप में भी काम कर रही हूं। सर मैं अपना अनुभव थोड़ा शेयर करूंगी। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी, मेरी एजुकेशन मदरसा में मेरी पढ़ाई हुई थी और मेरी पढ़ाई सिर्फ 5.5 क्लास तक, पांचवी पास करके 6 क्लास में जब मैं गई तो उसी वक्त मेरी पढ़ाई बंद कर दी गई थी, क्योंकि उस टाइम समाज में पढ़ता पढ़ता और लड़की पढ़कर क्या करेगी ये बोलकर रोक दी गई थी। तो मैंने उसी टाइम अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी पढ़ाई तो किसी भी तरह, चाहे मैं जब बालिग हो जाऊं तब करूंगी ही, लेकिन और दूसरी लड़कियों के पढ़ाई के लिए भी मैं उन्हें प्रेरणा बनूंगी और उनके लिए जहां तक हो पाएगा सहयोग करूंगी। उसी के साथ सन 1992 में साक्षरता कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें मुझे बड़ी बहन के साथ मौका मिला था जाने का, तो मैं भी ट्रेनिंग ली उनके साथ और मैं वहां पे अपनी बात रखी। उस टाइम मेरी उम्र बस 12 साल थी, मैं खुद बचपन में थी कि फ्री में किताब वगैरह मिल रहा था, तो मैंने सवाल किया कि क्या सर मैं भी पढ़ा सकती हूँ महिलाओं को। तो सारे ट्रेनर बहुत खुश हुए और मुझे भी मौका दिया गया, तो मैं वीटी के रूप में उस टाइम काम करना शुरू कर दी और मैंने महिलाओं को पढ़ाया और मेरा केंद्र सबसे बेस्ट भी रहा था। तो उससे कई पड़ाव को पार करते हुए मैं जिला तक पहुंची थी और उसके बाद फिर से साक्षरता के सहयोग से ही मैं मैट्रिक में मेरा फिर एडमिशन हुआ और मैं मैट्रिक पास करके 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में स्कूल से जुड़ी और बच्चों के साथ काम करने लगी। उससे पहले सन 1997 से 2001 तक विशेष शिक्षा एक कार्यक्रम था जो कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम था, उसमें भी मैंने काफी महादलित और दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए काम करके उन्हें स्कूल से जोड़ी थी। तो मुझे बच्चों के लिए काम करने में, चूंकि मैं उससे जूझी थी, मेरी पढ़ाई, मेरा बचपन छीन लिया गया था, इसलिए मैंने दूसरे बच्चों को वहां तक जोड़ा। और जब मेरी नियुक्ति 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में मध्य विद्यालय तेलियाहाट में हुई, तो उस टाइम पढ़ाई की स्थिति इतनी कमजोर थी, 2 रूम का विद्यालय था, 1 रूम में मकई का भुट्टा और यहाँ पे ये जलावन रखा हुआ था और पढ़ाई का कहीं नामो निशान नहीं था। एक ही टीचर वहां पे थे जो के सिर्फ खाना पूरी करते थे, लेकिन चूंकि 30 दिन की मेरी ट्रेनिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि बच्चों को आपको पकड़ कर लाना है और एक शिक्षा मित्र, मतलब मित्र बन के आपको काम करना है। तो मैंने उसी सीख को, जो कि एक राजीव सर, अनुज सर मुझे ट्रेनिंग दिए थे, उनके बातों को रखते हुए, और 1500 से मेरी बहाली हुई थी, तो उसमें किसी साथी ने सवाल किया था कि सर 1500 से क्या होगा जो 30,000 वाले हैं, तो बोला गया कि नमक और चीनी में क्या फर्क होता है, तो आप लोग नमक हो, नमक के बगैर जैसे खाना बेस्वाद हो जाता है, उसी तरह से शिक्षा मित्र के बगैर इस समाज में बच्चों का वही हाल होगा जो एक सब्जी में बगैर नमक के बगैर होता है। तो हमने उस बात को दिमाग में नोट किया और घूम घूम कर पूरे पोषक क्षेत्र में बच्चों को, 65 बच्चों को मैंने अपने सिग्नेचर से ही एडमिशन कर दी थी, जिसपे मेरे से सो कोच किया गया था कि आपने जो एडमिशन करवाया तो क्या आप उनके पेरेंट्स गार्जियन हो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी सोच थी कि मैं बच्चों को किसी तरह स्कूल तक लाऊं। और उसके बाद एक ऐसा बदलाव आया मध्य विद्यालय तेलियाहाट में कि काफी बच्चे यहाँ पे आने लगे और बच्चे की वजह से शिक्षक की भी नियुक्ति हुई और आज वो मिडिल स्कूल है और वहाँ के बच्चे पढ़ के, हमारे एक श्याम किशोर जी भी हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और वो बीपीएससी एक बार में निकाले हैं, कई बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं अच्छे पोस्ट पे, तो मुझे खुशी होती है। इसी तरह से फिर केआरपी के रूप में भी मैं सामने आई, उसमें भी फिर महादलित, दलित और अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए काम करने को मिला, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो अभी वंचित वर्ग थे, जिनके लिए जो कि स्कूल पास में रहते हुए भी उन्हें शिक्षा के महत्व का पता नहीं था, और उसको मैंने जोड़कर काम किया, नए नए उस पर प्रयोग किए, कबाड़ से जुगाड़ करके। फिर उसी बीच चकधो में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें कि हमारे गालिब सर ने ट्रेनिंग दिया,
और उसको लेकर के एक महादलित कोशक क्षेत्र में जाके परसबन्नी गांव है जहाँ के, जब वहां पे गई तो काफी वहां पे गार्जियन, चूंकि वह गर्मी की छुट्टी में चकदम कार्यक्रम शुरू हुआ था तो वहां पे बच्चों को आने नहीं देते थे कि ये लोग टीचर आते हैं और बच्चों का एडमिशन करते हैं और उसके नाम पे पैसा ले लेते हैं पोशाक और बच्चों को देते नहीं है। काफी शिकायत हुई एकदम जद्दोजहद के साथ। जब हम लोगों ने कन्विंस किया कि आप लोगों को उसके लिए जागना पड़ेगा, तब भी सारे लोग जगे और फिर वहां पे कम से कम 150 से ज्यादा बच्चे आकर दो दिन का वो जगदम कार्यक्रम में काफी उत्साहित होकर उन्होंने भाग लिया और काफी कुछ सीखे। तो इसी तरह नशा मुक्ति कार्यक्रम भी हुआ, बाल विवाह, उस पे भी नशा मुक्ति कार्यक्रम को लेकर के बिहार में जो चलाया गया था, तो हमारे ही पड़ोस में एक अनवर नाम का, जो कि मामा बोलते थे हम लोग, वो घर में बच्चों को पढ़ने जाने नहीं देते थे, घर में मार पीट गाली गलौज करते रहते थे। तो उसमें हम अपने श्याम किशोर जो एसआरजी है उनके सहयोग से बाय फोर्स उनके घर को आग लगने से बचा और उनका घर आज वो भी काम अच्छे से कर रहे हैं। उनके तीन बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि पटना में रेमबो होम के नाम से जाना जाता, जाहो नाम की उनकी एक बेटी थी जो कि पढ़ के अभी 10th क्लास में वो पढ़ रही है, दो बच्चे और उनके बच्चे पढ़े। तो इस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में मेरा हमेशा सोच रहा है कि जिस तरह से मेरा बचपन छीना गया, इस तरह से किसी भी बच्चों का बचपन ना छीना जाए। इस तरह से जब मैं शिक्षक के रूप में 2007 से बीजेसी के रूप में जेंडर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम की, जेंडर गैप, क्योंकि लड़के ज्यादा माँ बाप भेजते थे स्कूल और लड़कियां कम, तो उसको इक्वल करने के लिए, तो हमारे स्कूल की ऐसी स्थिति हो गई थी कि वहां जब एडमिशन देखा गया तो उसमें लड़कियां ज्यादा थी और लड़कियां ज्यादा प्रेजेंट भी रहती थी, लड़के भले ही कम आते थे स्कूल। और नए नए खेल खेल में शिक्षा उनको देने में काफी मनोरंजन भी लगता था। तो इस तरह से हमारा स्कूल भी आज बहुत अच्छे, अभी तो कोरोना काल में आज हमें जरूरत है कि नया नया तकनीक करके किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। और इसमें हम सभी साथी जो अभी इस आलोक दूत कार्यक्रम के तहत टीचर्स चेंज हजरत मोहानी साइंस फोरम जो कि गालिब सर के द्वारा किया जा रहा है, उसमें हम भी अनुभव अपना शेयर करते हैं, उनसे कुछ ले करके अपने बच्चों के बीच शेयर करते हैं। हमारे टोला स्वयंसेवक और शिक्षा स्वयंसेवक जो कि शिक्षा सेवक के रूप में है, हमारे ब्लॉक में 42 हैं, तो उन्हें भी वो शेयर करते हैं और वो अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। सर इतनी ही बात हमारी थी और आगे फिर शेयर करेंगे। मैं जहां आ रहा बनमाई डहरी से शिक्षक के रूप में, थैंक यू। शुक्रिया जहांआरा जी, आपने बहुत शिद्दत के साथ अभी तक की यात्रा की है और एक विद्यालय देरिया हाट विद्यालय जहां पर मकई का भुट्टा रखा रहता था, जिस विद्यालय के की कक्षा में जहां पर बच्चों की किलकारियां होनी चाहिए थी, किस तरह वहां पर नामांकन बढ़ाया और बच्चों को आपने उस तरह विद्यालय को सचमुच का विद्यालय बनाया, आपका शुक्रिया। और अब हमारे साथ विजेंद्र केसरी जी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र केसरी जी से अनुरोध है कि वे अपनी बात करें। जी मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इस अवसर पे एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। मैं विजेंद्र केसरी रोहतास जिला का रहने वाला हूं और मैं छात्र जीवन से ही शिक्षा के विभिन्न आंदोलनों से जुड़ा रहा, खास करके साक्षरता आंदोलन और छात्र आंदोलन से मैं लंबे समय तक जुड़ा रहा और इस क्रम में कई कार्यक्रम, कई ट्रेनिंग, कई वर्कशॉप ये सब करने का मौका मिला। इसी क्रम में जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था संभवतः 96, 97, 98, इन वर्षों में मैं रोहतास टीएलसी का कोऑर्डिनेटर भी था और उस क्रम में विद्यालयों के स्थिति, संचालन, जिला के अंदर शिक्षा के क्या हालात है, उसके प्रबंधन से संबंधित बातों को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला।
और फिर छात्र आंदोलनों से जुड़े रहने के कारण शिक्षा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उसको भी नजदीक से देखने का मौका मिला। अब मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ, श्री दुर्गा प्लस टू उच्च विद्यालय शिवसागर में अवस्थित है जो रोहतास जिला का एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है। छात्रों के साथ पहले तो मैं आंदोलनकारी के रूप में रूबरू होता था, फिर एक शिक्षक के रूप में रूबरू हुआ, लेकिन मेरे पिछले अनुभव बहुत कुछ मदद किए बच्चों से अपनी नजदीकी कायम करने के लिए। और हमारे विद्यार्थी ज्यादातर हमारे बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, और उन बच्चों के साथ मैंने जो अपने पिछले दिनों जो मैंने सीखा या जो मैंने महसूस किया उस हिसाब से हमने विद्यार्थियों के बीच में अपनी बातों को, विषय वस्तु को, पाठ्य पुस्तकों के उसके मैटर को रखने का प्रयास किया और इसमें बहुत मुझे सफलता मिली। इसमें नए नए प्रयोग जो गालिब भाई ने कहा और पहले भी बातचीत होती रही तो पूछते रहे कैसे है, क्या क्या चल रहा है, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मैं साइंस का विद्यार्थी था और फिर साइंस का शिक्षक हुआ और एक साइंटिफिक आउटलुक के साथ हमने चीजों को रूप में बच्चों को पढ़ा था और कुछ बच्चे गेम कर रहे थे, कुछ नहीं गेम कर रहे थे। और मेरे मन में वो क्या माध्यम हो सकता है सारे बच्चे गेन करें जो हम लोग सोचने के बाद स्कूल विद्यार्थी डिफरेंट कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं हटा दिए हम एक साथ लेकर चलना, ये बड़ी चुनौती रूप में मैंने शिक्षक के रूप में महसूस। अब इसमें है कि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे थे, कुछ बच्चे जो बहुत थे और एक बड़ी संख्या जो एवरेज बच्चे थे। विजेंद्र जी एक मिनट रोकना चाहेंगे, आवाज स्पष्ट नहीं होती है। विजेंद्र जी वीडियो अपना ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा आसपास के उस पाठ्य पुस्तक के। हाँ अच्छी बात, अच्छा वीडियो शायद ऑफ कर देंगे तो नेटवर्क थोड़ा आपका काफी लो आ रहा है। ज्यादा अच्छा हो जाएगा जी, जरा देखिए तो वीडियो बंद कर दूंगा। वीडियो हाँ जी बोले, अभी कर दिया, आवाज कुछ क्लियर हुई? काफी काफी अभी क्लियर है जी, आवाज कुछ क्लियर हुई सर जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे अपने अनुभव, तो मैंने बाहर की दुनिया से पाठ्य पुस्तकों को कनेक्ट करने का प्रयास किया। मैं बायो पढ़ा रहा था और इकोसिस्टम पे हम लोग बातचीत रहे थे, सभी विद्यार्थी फॉलो नहीं कर रहे थे। मेरे स्कूल के ठीक पीछे एक ऐसा तालाब जो तालाब है, कहते हैं कि वो बिहार में अकाल आ था तब भी वो तालाब नहीं कहा था, लोकल लोग कहते कि वो 52 बीघे का तालाब था, अब वो छोटा हो चुका है। तो मैंने मेरे मन में आया कि क्यों नहीं तालाब के पास इन विद्यार्थियों को लाया जाए और उनको दिखाया जाए। मैंने अपने प्राचार्य से अनुमति लिया और बच्चों को ले गया, ताजुब हुआ कि वो बच्चे बहुत है पूर्वक पॉन्ड इकोसिस्टम को समझे और उनको वो चीज दिखा भी, जो लोग बार बार पुस्तकों पढ़ा रहे थे वो चीज उनको दिखा भी और फिर वो आत्मसिद्ध कर ली। फिर वही बच्चे जब मंत्री की उन्होंने पास होने के बाद मुझे किया कि आप जो वहां एक दो याद है उसको फिर दोबारा करने का
या रट्टा मार का जरूरत। तो मुझे लगा कि इस तरह से हम नए चीजों से नए प्रयोग करके या कुछ अपने सोच को दुनिया से जोड़कर, बाहर की दुनिया से जोड़कर, हम ज्यादा कुछ अस्त कर सकते हैं। इस तरह चार को लेकर अगर शिक्षा में उपयोग करें तो हम समझते हैं कि ज्यादा बेहतर होगा। और फिर जिस तरह के हालात हैं, कुछ शिक्षक हैं जो इन झंझाव का मुकाबला के उन कार्यों में और हर इलाके में, और मैं समझता हूँ कि लगभग हर स्कूल में एक दो शिक्षक जरूर ऐसे हैं। ये मैंने अपने जिले में भी विभिन्न स्कूलों में देखा, मुझे मौका मिला, वहां भी मैंने देखा कंसिस्टेंट हो गया, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, इन सब में उनका पार्टिसिपेशन चिप से बहुत ही बेहतर था। यह फोरम आवाज बहुत साफ नहीं है, आवाज सही नहीं दे, यह फोरम अगर इन चुनौतियों पे भी विचार करें, आने वाले दिन में हम उस पे भी बातचीत करें और कुछ नए तरीके शिक्षा के प्रयोग लिए जो के हित के लिए हम करें, तो सब शिक्षक अपनी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं और आने वाले दिन में हम लोगों सजग भी कर सकते हैं। सरकार शिक्षा नीतियों के पक्ष में, शिक्षा नीतियों की चुनौतियां हैं, सारी योजनाओं के बावजूद हम अचीव नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए सभी सरकारी गैर सरकारी मशीनरी सभी परेशान है। इसलिए यह फोरम इन बिंदुओं पे भी हमें आने वाले दिन बातचीत करना चाहिए और समाज का, विद्यालय एक स्वस्थ और शिक्षा के प्रति मॉडल बनाना चाहिए, जिस लोग आकर्षित हों और इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। हम समझते हैं कि आज के इस बीच में अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, वैचारिकता शिक्षा में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में विचारों पे जितने हमले हो रहे हैं और जितने तरह के विचार शिक्षा जगत में विद्यार्थियों बीच में दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें दम हो रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि आधुनिक युग जी रहे हैं, हम साइंटिफिक एज में जी रहे हैं, तो फिर हमारा सोच भी साइंटिफिक होना चाहिए, हमारा आत्म भी साइंटिफिक होना चाहिए, जिसका घोर अभाव हम चारों तरफ देख रहे हैं, महसूस कर। हमको इस फोरम में जरूर यह बात भी चाहिए कि आने वाले दिन में हम अपनी शिक्षा नीति का सही मार्गदर्शन, जिसको हम कि जनपक्षीय शिक्षा नीति, जिसमें एक ऐसी शिक्षा थी जिसमें लोगों को वैज्ञानिक रुझान भी बढ़े, लोकतांत्रिक रुझान बढ़े, धर्मनिरपेक्षता के प्रति भी रुझान बढ़े, और सबसे बड़ी कि वो रोजगार से जुड़ा हुआ हो। इस तरह एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे, एक ब्रॉड सोच के साथ हम लोग को काम करना पड़ेगा और इसके बारे में और भी हम लोग को चिंतन, वाद विवाद, आपस का अनुभव शेयर करना, इस तरह के कार्यक्रम हमें करने चाहिए। हम समझते हैं कि इससे आने वाले दिन में इस फोरम में इसके चर्चा के जो फलक है यह और भी विस्तृत होगा और विस्तार पूर्वक हम इन बिंदुओं पर विचार कर सकें। धन्यवाद। और अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ एस मनोज जी को बेगूसराय से। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज बेगूसराय जिला में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर्रा है बीरपुर ब्लॉक में, वहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ और लगभग 20 वर्षों से
शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं साक्षरता अभियान और ज्ञान विज्ञान समिति का कार्य करता था। जब मैं शिक्षक बना, साक्षरता आंदोलन के साथ ही, ज्ञान विज्ञान आंदोलन के साथ ही काम करते हुए जब मैं एक शिक्षक बना, तब जिन ज्ञान और समझ को लेकर मैं साक्षरता आंदोलन में था, उनको लेकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालयों में काम करने लगा। और आज का जो यह विषय है, अपना विद्यालय अपना प्रयोग, बहुत ही बेहतरीन विषय है। और मैं इसके आलोक दूत के रूप में जो कार्यक्रम है उसके इस प्रथम कड़ी में अपने अनुभव साझा करने के लिए आया हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, साथ ही कि हम जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सबकी कुछ जिम्मेवारी पहले से और बढ़ गई है कि अगर वो आलोक दूत हैं तो उनके कृत्य से बिहार की सुदूर देहातों में रोशनी फैले, उजाले जहां आज तक नहीं पहुंचे हैं वहां तक ये उजाले पहुंचे। इस कड़ी में मैं अपने विद्यालय में जो कुछ प्रयोग कर रहा हूं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि एक सुंदर समाज की परिकल्पना के साथ ही विद्यालय में काम करने के लिए गया हूं। और मैं समझता हूं, सोचता हूं कि अगर एक सुंदर समाज बनना है तो उस समाज को बनाने में हमारा विद्यालय कितना कारगर हो सकता है, उसे एक टूल के रूप में विद्यालय बेहतर समाज बनाने के। हेलो, मनोज जी एक मिनट म्यूट कर दें जी। आवाज नहीं जा रही है ठीक से, क्या जारी रखिए आ रही है आवाज जी। तो उस प्रयोग को मैं अपने विद्यालय में करना प्रारंभ किया हूँ और उसमें मैं जो काम कर रहा हूँ अलग अलग दो तीन बिंदुओं में बांट कर मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा कि सबसे पहले तो विद्यालय आकर्षक हो। जब विद्यालय आकर्षण का केंद्र होगा तभी वह बच्चों और अभिभावकों का ध्यान अपनी ओर खींच पाएगा और बच्चे उधर हर्ष से उत्साह से आ पाएंगे और ये मेरे विद्यालय में हो रहा है। विद्यालय में सब कुछ व्यवस्थित हो, विद्यालय में साफ सफाई समुचित रूप से हो, पेयजल और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था हो, नामांकन 100% हो, उपस्थिति अधिकाधिक हो, 80% से अधिक, मेरे विद्यालय में लगभग 75% से 80% बच्चों की उपस्थिति होती है और ठहराव मैक्सिमम हो। स्कूल में बच्चे स्कूल ड्रेस में आए, मेरे विद्यालय में लगभग बच्चे स्कूल ड्रेस में आते हैं, बच्चों के लिए रूटीन बनी हुई है, घंटी बजती है, वर्ग कक्षों का संचालन उसी अनुरूप में होता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दो तीन बिंदुओं पर मैं जो खास करके फोकस करता हूँ, ध्यान देता हूँ, वह कि सरकार की ओर से शिक्षा शास्त्रियों की ओर से जो MLL निर्धारित किया गया है बच्चे वहां तक पहुंचे। दूसरा जो मैं चाहता हूं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करें वह बोधगम्य हो, केवल ज्ञान उनका बोझ नहीं हो, ज्ञान उनके जीवन को बदलने का एक साधन हो, माध्यम हो। तो इसलिए कि शिक्षा की प्रक्रिया में वर्षों जीवन गुजार देने के बाद भी अगर जो एक बच्चा शैक्षिक प्रक्रियाओं में गुजरकर एक नौजवान के रूप में समाज में वापस जाता है और उसके हाथ में इतने हुनर नहीं होते हैं, मस्तिष्क में इतने ताकत नहीं होते हैं और अगर वो अपने आप को उतना सक्षम नहीं बना पाता है तो ना अपना जीवन बेहतर कर पाता है ना अपने समाज को बेहतर कर पाता है। इसलिए उसकी शिक्षा बोधगम्य हो, इसके लिए
मैं प्रयास करता रहता हूँ और मैं जो कुछ प्रयोग किया हूँ दो तीन बिंदुओं पर फोकस करके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली बात कि जब मैं एक विद्यालय में पदस्थापित था जहां मैं एकल शिक्षक था, वर्ग कक्ष 5 थे और मैं शिक्षक अकेले था, लगभग 40-45 बच्चे 5 क्लास में आते थे और स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब मैं शिक्षक बनकर गया था उस समय की बात मैं कह रहा हूं, तो मैंने दो तरफा प्रयास शुरू किया कि पहले तो बच्चे अधिक विद्यालय में आए और दूसरा मैंने काम किया कि एक वर्ग कक्ष भी एक ही था, वर्ग 5 थे, शिक्षक भी मैं एक ही था, तो मैं एक ही वर्ग कक्ष को 5 जगह बांट दिया कि यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, इस तरह से बच्चे अलग अलग बैठेंगे और पहला दूसरा के सामने चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर चिपका दिया था। जैसे मैं पहला के बच्चे को जहाँ बैठा रहा था वहाँ चार्ट पेपर पर एक पर ओ आ, दूसरे पर क ख, तीसरे पर च छ, चौथे पर ट ठ, इस तरह से लिख दिया था। और जो बच्चे ओ आ ए आई सीख जाते थे वो बच्चे फिर क ख वाले चार्ट पेपर के सामने बैठते थे। एक सप्ताह जो बच्चा यहाँ बैठा था अगले सप्ताह वो बच्चा स्वतः अगले चार्ट पेपर के सामने बैठता था और एक गाइडेड लर्निंग टू सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में यह विद्यालय संचालन शुरू हुआ था। और कालांतर में उस विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, विद्यालय उत्क्रमित हुआ, मध्य विद्यालय हुआ, फिर मेरा वहां से स्थानांतरण हुआ और बाद के विद्यालय में मैं जहाँ हूँ अभी वह हाई स्कूल बना, फिर उत्क्रमित प्लस 2 विद्यालय इस बार बन गया है। तो एक प्रक्रिया से होते हुए समाज आगे बढ़ता जा रहा है और मैं उसके एक कड़ी के रूप में, एक सहगामी के रूप में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एक प्रयोग जो मैं आपके बीच साझा करना चाहूँगा वह मैं अपने विद्यालय में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता हूँ और विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित बच्चे को पुरस्कृत किया जाता है। विद्यालय में जो चेतना सत्र का आयोजन होता है उस चेतना सत्र में बच्चों को सम्मानित किया जाता है, कलम से, कॉपी से या इस तरह से कुछ उनको देकर सम्मानित किया जाता है। इससे बच्चों के बीच एक बहुत सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना बनती है और बहुत बेहतर ढंग से बच्चों में शैक्षिक माहौल बना हुआ है, बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक मेरा प्रयोग है फास्ट हिंदी और फास्ट इंग्लिश रीडिंग कंपटीशन। जैसे मैं चौथा क्लास में चला गया और उसमें जिन बच्चों को हिंदी पढ़ने आता है सभी बच्चे को मैंने कहा कि आप सभी बच्चे अपने अपनी किताब लेकर खड़े हो जाइए। बच्चे अपनी किताब लेकर खड़े हो गए और कोई उसमें से एक चैप्टर मैंने निकाल कर कहा कि इसको मैं 1 मिनट आपको पढ़ने के लिए देता हूँ। फिर मैं रेडी करके स्टार्ट करवाता हूँ और मोबाइल के स्टॉप एक मिनट में बच्चा जितना पढ़ता है फिर उन शब्दों को गिनना है। जो बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ता है उसको एक सम्मान दिया जाता है, एक पुरस्कार दे दिए। अब बच्चे जो 200 शब्दों से ज्यादा पढ़ दिए उन सभी बच्चों को कोई दूसरा पुरस्कार दे दिए। फिर वही टास्क मैं दे देता हूँ कि अगली सप्ताह में अगले बार फिर से इस तरह का आयोजन होगा और जो सब बच्चे 200 शब्द 1 मिनट में पढ़ देंगे उन्हें फिर से पुरस्कृत किया जाएगा। इसका एक परिणाम होता है कि बच्चे खुद से हिंदी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में बहुत तन्मयता से भाग लेते हैं और बच्चों के पढ़ने की स्थिति अच्छी होती जाती है। एक और प्रयोग मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपसे अपने विचार
अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा और ये जो अनुभव है मैं ये गालिब दा को श्रेय देता हूं कि उनसे ही मैंने ये सब कुछ सीखा है और आज उनका दिया हुआ ज्ञान हजारों बच्चों के बीच में मैं बांट रहा हूं। पटना में दो बाल बच्चों की दो पत्रिका प्रकाशित होने में गालिब दा के कारण से मैं भाग लिया। एक पत्रिका छपती थी चल पढ़ कुछ बन और दूसरी बिहार भवन से किलकारी बाल पत्रिका और उन पत्रिकाओं के छपने में मैं एक प्रतिभागी के रूप में भाग लेकर जो कुछ सीखा उसका अनुभव बच्चों के बीच में साझा कर रहा हूँ। क्या करता हूँ कि मैं दीवार पर एक चार्ट पेपर चिपका देता हूँ और A4 साइज पेपर के चार टुकड़े करके पहले बच्चों की एक ग्रुप बनाता हूँ। कौन उसमें से कविता लिखेगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन जीके लिखेगा, कौन क्विज लिखेगा, कौन पहेली लिखेगा, कौन चुटकुला लिखेगा, कौन स्थानीय समाचारों को लिखेगा, कौन खेल की बातों को लिखेगा। इस तरह से एक अखबार के संपूर्ण आयामों को मैं बच्चों के बीच में बांट देता हूँ। फिर बच्चे बैठकर अपनी अपनी बातों को लिखते हैं, वो शिक्षकों के साथ बैठकर, मेरे साथ बैठकर, दूसरे बच्चों के साथ में बैठकर उसको फाइनल रूप में देते हैं, उसे पढ़ा जाता है, उसका प्रूफ किया जाता है और जब वो फाइनल हो जाता है तो A4 पेपर पर, चार्ट पेपर पर चिपका दिया जाता है। मेरे विद्यालय के दीवार पत्रिका का नाम है कोपल। उस कोपल पत्रिका पर बच्चे चित्र, अपनी कोई कहानी, कविता, सामान्य ज्ञान वगैरह चीज चिपकाते हैं और सप्ताह में एक दिन वो बच्चों की दीवार पत्रिका तैयार हो जाती है। यह बिल्कुल बेहतरीन अनुभव है और बेहद खूबसूरत ये प्रयोग है। मैं पुलकित हो जाता हूँ जब उन अखबारों को उन बच्चों के हाथ से बना हुआ देखता हूँ और इसका एक सुपरिणाम जो मुझे मिला कि मेरे विद्यालय की छात्रा जिला स्तर पर आयोजित कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त की। तो इस तरह से बच्चों के साथ में मैं काम कर रहा हूं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब संक्षेप में दो तीन और रिपोर्टिंग करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मेरे विद्यालय की छात्रा इस बार जो दारोगा की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें वो चुनी गई है। उस गांव में पहले आज तक कोई दारोगा नहीं बना था और ये बालिका दारोगा बनी है। BPSC की तैयारी में मेरे बच्चे लगे हुए हैं, BHU में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे इंजीनियरिंग करके एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, कुछ बच्चे JEE हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरियों में मेरे विद्यालय से बच्चे जा रहे हैं। मेरे यहाँ लास्ट ईयर 2021 में जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है उसमें स्टेट में 11वां पोजीशन, टॉप 11th पोजीशन पर मेरे विद्यालय का एक छात्र रहा है। कुल मिलाकर मेरे विद्यालय का जो मैट्रिक का रिजल्ट रहता है वो टॉप 10, जिले के टॉप 10 रिजल्ट में मैं हर बार रहता हूँ और कई बार तो मेरे विद्यालय का रिजल्ट टॉप 5 में रहता है। एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसे मेधा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा कहा जाता है और इस परीक्षा में इस जिले में बेगूसराय में कुल 140 बच्चे चयनित होते हैं। उसमें से मेरे विद्यालय से 7, 8, 9 लास्ट ईयर कुल 9 बच्चे उसमें चयनित हुए थे, जिन चयनित बच्चों को बिहार सरकार 1,000 रुपये प्रति माह 4 साल तक देती है। कुल 48,000 रुपये का ये छात्रवृत्ति उनको मिलता है। IOC की ओर से मैट्रिक के टॉपर विद्यार्थियों के लिए एक ये छात्रवृत्ति दी जाती है।
तो पिछले लास्ट ईयर मतलब 21 में जो मेरा रिजल्ट हुआ है उसमें से 7 बच्चे को जिले भर में केवल 25 बच्चों को ही ये छात्रवृत्ति मिलना था, जिसमें से मेरे विद्यालय के 7 बच्चे उसमें चुने गए, जिन 7 बच्चों को 11th के लिए 25,000 रुपये और 12th के लिए 25,000 रुपये ये छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी। इन बातों को कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे बड़े लक्ष्य बहुत कम विजुलाइज कर पाते हैं। जब वो छोटे वर्ग में होते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं और तब उन्हें IAS बनने के बारे में समझाया जाएगा, कहा जाएगा, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर हो जाएंगे और हवा में सैर करेंगे, तो वो उतना बात ठीक से ग्राह्य नहीं कर पाते हैं। तो उस स्तर पर वो क्या समझ पाते हैं, उन्हें वर्ग कक्ष में एक कविता लिखने की लिखने पर एक चॉकलेट इनाम में दे दिया जाएगा, ये वो समझ पाते हैं। क्लास में कुछ बच्चों को इनाम दिया जाएगा और एक कलम उन्हें इनाम में दे दी जाएगी, बच्चे उनके लिए ताली बजाएंगे, ये बच्चों के समझ में आती है। इसलिए मैं ये आपके माध्यम से अपने इस अनुभव को साझा करना चाहूंगा कि बड़ों को बड़े बड़े ख्वाब बच्चों के दिमाग में डालने के लिए हम छोटे छोटे लक्ष्य उनके सामने में रखें और कदम दर कदम उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, जिससे वो अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग राजनीति में बहुत बात करते हैं, तो मेरी अपनी समझ है कि अपना समाज लोकतांत्रिक बहुत कम है। हमारे विद्यालय भी लोकतांत्रिक रूप से बहुत कम संचालित हो पा रहे हैं। विद्यालयों को अगर हम देखते हैं तो एक शिक्षक की भूमिका एक राजा के रूप में, एक सामंत के रूप में, एक सिपाही के रूप में होती है। डंडा लेकर गए, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर बिल्कुल रौब दाव, और बच्चों के सामने में हम उसको डराने के लिए उपस्थित होते हैं और बच्चे मेरे सामने डरते सहमे हुए से रहते हैं। अगर बच्चों के सामने हम मुस्कुराते हुए जाएंगे, जब बच्चे डरेंगे नहीं, सहमेंगे नहीं, तो आज हमारे विद्यालय के जो बच्चे नहीं डरेंगे नहीं सहमेंगे, हमारा भविष्य उसी अनुरूप हो पाएगा। क्योंकि अगर हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने क्लासरूम को बदलना होगा। हमारे क्लासरूम ही हमारे समाज को बदलेंगे। देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्लासरूम को लोकतांत्रिक और अपने समाज को लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा। और हम अपने ख्वाब में जिन बातों को रखते हैं, देखते हैं, अपने वर्ग कक्ष को उसी अनुरूप संचालित करने के लिए हमें तरकीब निकालनी होगी, शिक्षकों को प्रेरित करना होगा। तो हो सकता है कि विजेंद्र भाई जहाँ से आए हैं, जितनी प्रक्रियाओं से गुजर कर आए हैं, अगर हम अपने क्लासरूम को उतने डेमोक्रेटिक बना सकें तो हमारे डेमोक्रेटिक ढंग से, प्रोग्रेसिव ढंग से संचालित क्लास आने वाले दिनों में अपने समाज को बेहतर कर पाएगा और अपने समाज को भी बदल देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबके प्रति विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, आपने उस संघर्ष का भी वर्णन किया जो आपने प्रारंभिक दिनों में किया, और जब मैं कुछ युवा हुआ करता था तो उस समय उन
कार्यक्रमों में ट्रेनिंग में भाग लिया करता था कि कैसे एक शिक्षक 5 कक्षाओं को पढ़ाया करेगा। एक मिनट और ये बात नहीं थी, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं जब शिक्षक बना और विज्ञान की प्रक्रियाओं से, खास करके गालिब डाके द्वारा विज्ञान की प्रक्रियाओं से मैं जोड़ा गया, तो मैंने मैथिली भाषा में बच्चों के लिए विज्ञान की एक किताब लिखा है, मैथिली बाल विज्ञान कथा, और बच्चों के लिए ये एक कविता संग्रह, यह किताब मेरे संपादन में प्रकाशित हुई है और ये किताब मेरे लेखन, मैं इसका लेखक हूँ, और यह किताब जल्द ही हिंदी अनुदित रूप में मैं चाहता हूँ कि अपने विशाल पाठक वर्ग बच्चों के बीच में और आपके जैसे अभिभावकों के साथ लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हूँ। बहुत बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। जिन प्रयोगों को मैं यह मानता हूँ कि विपंस हमेशा है, मनोज जी ने जिन उपायों का सहारा लेकर अपनी कक्षाओं को जीवंत बनाया और विद्यार्थियों को में उस चीजों को परोसा, ये विपंस है शिक्षा शास्त्र में। बहुत सारे विपंस, बहुत सारे उपाय शिक्षा शास्त्र में पहले से मौजूद हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर उन हथियारों को निकाल कर, उनमें से उपयुक्त हथियार को निकाल कर परिस्थितियों का सामना करना, यही कुशलता है, यही शिक्षक को विशिष्ट बना देता है। मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उचित उस शस्त्रागार से उचित हथियार को, उचित उपाय के हथियार को निकाल कर आपने अपने क्लास को जीवंत और प्रगतिशील बनाया। शुक्रिया आपका। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सुजीत कुमार जी को, जो किलकारी बाल भवन से हैं। सुजीत कुमार जी, सुधीर कुमार सुधीर जी, जी नमस्कार। अपन विद्यालय अपन बिहार कार्यक्रम में जुड़े हमारे महानुभव, आप सभी को मेरा प्रणाम। जी आवाज जा रही है? हेलो, एकदम आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहे। मैं किलकारी बिहार बाल भवन से जुड़कर बच्चों के साथ क्रिएटिविटी की गतिविधियां में सहयोग करता हूं। मैं बहुत छोटे से ही बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़कर मैंने बस्तियों में काम किया, जहां के बच्चे स्कूल से बाहर हुआ करते थे, बिल्कुल उनके पास से किताबें नहीं हुआ करते थे, वो ज्यादा करके यूं ही अपने मोहल्ले में समय व्यतीत करते थे। मैंने उनके साथ रहकर तरह तरह की गतिविधियां बच्चों से सीखा, ये सीखा कि वो अपने बस्तियों में कौन कौन सा खेल खेलते हैं, क्या क्या गीत गाते हैं और क्या क्या उनकी खाने पीने की पसंद है और क्या क्या उनकी पसंद है और क्या आपसी खेल खेलते हैं। मैंने उनके सारे खेलों का, उनके सारे दिनचर्या को इकट्ठा कर करके हमने एक प्लानिंग बनाया कि हम इनके साथ भी कैसे जुड़ करके एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसी तरह से ज्ञान विज्ञान में मेरे बच्चों के बीच बहुत सारा है और उनके साथ बहुत कुछ सीखे, उनके खेलों को शैक्षणिक खेल बनाया, उनके हर गतिविधि को शैक्षणिक रूप एकेडमिक रूप में ढालने की कोशिश की और वो जीवनशाला के बच्चे जो गांव बस्ती में रहने वाले थे, कुछ बच्चे वो हाई एजुकेशन उपलब्ध प्राप्त किया, साथ ही साथ
रेलवे में भी नौकरी प्राप्त किए और विद्यालयों में वो शिक्षा मित्र के रूप में भी बहाल हुए। वो हमारे एक तरह से आज पहले चेला थे, आज गुरु हो गए और आज हमारे बीच, अगर गुरु हम मानते हैं तो हमारे गालिब दादा जो हमें बहुत छोटे से वो अपने पास और उनके लंबे अनुभव के साथ मैंने जुड़कर आज तक उनके साथ सीख रहा हूँ। और कोई भी कार्यक्रम गतिविधि या कहीं भी हो जिसमें सहयोग देने से मुकरते नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमें सीखने सिखाने की तरीका की जानकारी मिलती है। इसी तरह से मेरी बच्चों के साथ अनुभव जो मिला, मैंने उनके अनुभवों को जोड़ते हुए ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा उनके लिए हैंडराइटिंग में पुस्तकें निर्माण किए, जो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के भाग वन भाग दो, जिसमें हमर किताब हमारी किताब नाम से किताब प्रकाशित की, जिसमें चार पांच तरह का भाषा गणित परिवेश और वो हाथों से लिखा हुआ, बच्चों को काफी पसंद आया चूंकि उनकी कहानी उन्हीं का जुबानी थी। उसके बाद मेरा कारवा आगे बढ़ता गया, मैंने राज्य स्तर पे नेशनल लेवल पे विभिन्न कार्यक्रमों में शैक्षणिक कार्यक्रमों में जाने का भी मौका मिला, मैं अपने अनुभवों को बढ़ाता रहा और सीखता रहा। उसके बाद आगे चलते चलते मैंने किलकारी बिहार बाल भवन पटना से जुड़ गया और यहाँ बच्चों को सृजनात्मक विकास के लिए किलकारी काम करती है, जो उनके अंदर एक्स्ट्रा जो अनुभव होते हैं, जैसे बच्चे गाते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो उनकी निखार कैसे हो उसको लेकर के किलकारी के द्वारा हम बच्चों के बीच गए, जो खास करके राजधानी पटना के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के बीच चल करके उनकी आनंददायी गतिविधि करके उनको विद्यालय से जोड़ने का काम किया। आज वो बच्चे विद्यालय से जुड़ करके बहुत खुश हैं, उनके अभिभावकों में भी जागृति आई कि हमारे बच्चे को स्कूल तक पहुंचा दिए, जबकि पास में स्कूल है और बाहर रहते थे, तो मैंने वो माहौल पैदा किया, उनके साथ जुड़ करके विद्यालय घूमा और विद्यालय में रह करके उनके रजिस्टरों में नाम सूची में नाम दर्ज करवाए और स्कूल को कंटिन्यू करवाए। आज की तिथि में पटना शहर के लगभग सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में हमारी पहुंच है बच्चों के बीच में और एक हमारी ताकत बनी हुई है, जिस मोहल्ले में जाते हैं सुधीर भैया कहते हैं और अब वो बरकरार है। और उसी के साथ साथ मैंने कई एक गतिविधियां जो सीखी, उसमें हस्तलिखित अखबार बनाना, ये हस्तलिखित अखबार बनाना बहुत ही हमारे लिए एक ताकत दिया, जो कि हमने लगभग 50 से 60 विद्यालयों में विभिन्न नामों से हस्तलिखित अखबार, जिसमें बच्चे स्वयं कहानी कविता चुटकुला पहेली चित्र वो बनाते थे और उसे डिजाइन भी करते थे और सुंदर पूर्वक से बना करके प्रस्तुत करते थे। ये लगभग विभिन्न नामों से अखबार निर्माण में, जिसमें हमने ज्यादा करके बच्चों को जुड़ाव करके उनको लिखने पढ़ने की रुचि पैदा किया और वो अभी भी बरकरार है। इसके साथ साथ किलकारी के कई प्रकाशनों में मैंने काम किया, जैसे बाल किलकारी अखबार, इसमें मेरा लंबा अनुभव है, मैंने इसमें संयोजक के रूप में अभी हूँ। इसकी 2 दिन की कार्यशाला में बच्चों द्वारा विभिन्न स्तंभ के लिए सामग्री रचनाएं 2 दिन में उपलब्ध करते हैं, बच्चे लिखते हैं रचते हैं, उसके रचनाओं को लेकर के
बाल किलकारी अखबार नामक पत्रिका और अखबार मैंने चलपड़ कुछ बन पत्रिका से भी जुड़ा, उसमें भी मैंने बच्चों के लिए क्रिएटिव गतिविधि जैसे चुटकुला, पहेली, बुझो बुझौल, कुछ कुछ बनाना सीखो, ये सारा गतिविधि डालते गए और बच्चों तक भी पहुंचा और उसका कमेंट भी आता रहा जिससे मजा भी आता रहा बच्चों को। इसी के साथ मैंने एक कार्यक्रम और जो जोड़ा जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आया वो था चहक। चहक सरकारी विद्यालयों प्राथमिक विद्यालयों में क्लास वन और क्लास टू के बच्चों के लिए वो चहक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें हमने बच्चों की मानसिक, सामाजिक, सांकेतिक, बौद्धिक विकास को लेकर के गतिविधियों का डिजाइन किया। उस डिजाइन में मेरा सहयोग के साथ साथ विद्यालयों तक लागू करने में भी साथ दिया। उस कार्यक्रम के तहत मैंने बच्चों के साथ दोस्ती, अभिभावकों से दोस्ती, विद्यालयों से दोस्ती, शिक्षकों से दोस्ती को एक सहज बनाया, बच्चे को दूरी को नजदीकाया और एक माहौल पैदा किया। हम सीखने सिखाने का माहौल पैदा किया जिसमें बच्चों को ऐसा लगा कि ये हमारा लिए मजेदार चीज है, हमें वहां जाना चाहिए। तो इस कार्यक्रम से उसमें एक सीखने का माहौल बना। आगे क्या क्या होगा एक उसके अंदर सोचने लगा और आगे क्या होगा इसके बारे में सोचने लगा और विद्यालय के प्रति सक्रियता बढ़ने लगी, साथ ही साथ अभिभावक की भी सक्रियता बढ़ी। ये काफी ही मजेदार गतिविधि हुई और बदलाव भी बना, बहुत ही मुझे मजा आया। सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो विद्यालयों में मैंने देखा है कि ज्यादा करके प्राइमरी एजुकेशन में प्राथमिक के क्लास वन टू में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम या नहीं के बराबर भी होती थी। तो वो संख्या कैसे बढ़े, क्या कारण है कि वो क्लास वन में क्लास टू में बच्चों की संख्या कम होती है, नामांकन है पर उपस्थिति नहीं है, तो इसी को लेकर के चहक चला गया जिसमें हमने बच्चों को सुना, उनकी उत्सुकता बढ़ाना, उनके बातों को मजाक में ना लेना, उनके अभिभावकों से बातें करना, शिक्षक बच्चों में एक नजदीकी होना और विभिन्न कार्यक्रमों में विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावक को जुड़ाव करना, उन्हें आमंत्रित करना, उनको सम्मानित करना, ये बहुत बड़ा ही अच्छा काम है और इससे जुड़ाव विद्यालय के बनता है और बच्चों का बनता है। ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए, बच्चे हो या उनके अभिभावक हो, उन्हें हर कार्यक्रम में आमंत्रित करें। तो हमारे पास भी है, मैं करना चाहता हूँ और हमारे सभी बड़े अनुभवी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सुधीर जी, आपने किलकारी के साथ जुड़कर जो नवाचारी प्रयोग किए अब मैं अगले वक्ता के रूप में साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है और एक बेहतरीन कार्यक्रम करने के लिए मैं अनिल सर और गालिब सर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि शिक्षकों को आपने कुछ कहने का, अपनी अभिव्यक्ति एक मंच पर करने का अवसर प्रदान किया है। काफी अच्छा लगा, आपने जो भी नवाचारी शिक्षक थे
जिन्होंने अपने विद्यालय में अच्छा काम किया है, उनके अनुभवों को सुनने को मौका मिला। अभी का जो समय है वह विद्यालयों में नवाचार करने का समय है, क्योंकि हमारी जो शिक्षण पद्धति है वह अभी भी काफी बदली हुई नहीं है। बच्चे जिस भाषा में, बच्चे जिस शैली में समझते हैं, उन शैलियों को, उन तरीकों को बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो अपना रहे हैं। गिनती के दो चार शिक्षक हैं, बाकी के शिक्षक शैली पारंपरिक उनका जो तरीका है बच्चे का, वही है बच्चों को। तो इसे बच्चों को जिस मात्रा में अधिगम करना चाहिए, जो उनमें गुणवत्ता आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, शिक्षकों को बहुत अच्छा से प्रशिक्षण देने का कई आयोजन किए, कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए, लेकिन उन प्रशिक्षणों का जितना असर हम शिक्षकों में होना चाहिए था उतना नहीं हो सका है। और बच्चों के लायक जो हमारी शिक्षण विधि होनी चाहिए थी, सिखाने का जो तरीका होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यह विचारणीय है, इस पर ठहर कर गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी शिक्षण शैली में सुधार करें, हम अपने तरीकों में बदलाव करें, ताकि बच्चे जो हमारे कक्ष में हैं, 100% बच्चे, वो सारे जो अधिगम प्रतिफल है उसको संप्राप्त कर लें, जो उनके लिए निर्धारित सीखने की चीजें हैं वह जान ले, समझ ले। क्योंकि सीखना तो एक सहज क्रिया है, एक वातावरण में अगर बच्चों को सिखाया जाए, वह वातावरण अधिगम के लायक हो, आनंददायक हो, कुछ करके सीखना हो, समूह कार्य हो, अगर हम इन विधियों का इस्तेमाल करें तो बच्चे सीखेंगे। लेकिन हम वह चीजें कर नहीं पा रहे हैं, कारण जो भी हो, तो इन कारणों पर विचार करना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में नवाचार का महत्व बढ़ जाता है कि हम अब नवाचारी बने। नवाचार का मतलब यही है कि हम कुछ ऐसा आयोजन करें, हम कुछ ऐसा माहौल बनाएं, हम कुछ ऐसा प्रयोग करें जो बच्चों के सीखने में मदद करे, और वह जो प्रयोग हो वह बच्चों के रुचि के अनुसार हो, बच्चों के अधिगम को गति प्रदान करने वाला हो, बच्चों के लिए आकर्षक हो। तो यह जरूरत है हमारे पूरे बिहार के विद्यालयों के लिए कि हम अपनी कक्षा का संचालन में नवाचार का इस्तेमाल जरूर करें। और हमारे सामने बैठे हुए हैं गालिब सर, नवाचार क्या होता है और नवाचार के तरीके क्या हो सकते हैं, नवाचार का प्रयोग, नवाचार का आयोजन अपने विद्यालयों में कैसे किया जा सकता है, इसके लिए गालिब दादा ने बहुत से प्रयास किए और जगह जगह घूम कर शिक्षकों को इकट्ठा किया और नवाचार से जोड़ा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इनका स्नेह, आशीर्वचन, सहयोग, समय, सब कुछ कुटुंबा प्रखंड को मिला और इनके नेतृत्व में यहाँ कबाड़ से जुगाड़ विज्ञान के अनेक प्रकार के मॉडल बनाने के लिए इन्होंने प्रथम संस्था को हमारे बीच लाया, कुछ मास्टर ट्रेनर को लाया और कुटुंबा के शिक्षकों को प्रोत्साहित किया, कुटुंबा के शिक्षकों को दृष्टि दिया कि आप इस तरह से नवाचार कर सकते हैं। हालांकि उसका फायदा हुआ है कुटुंबा प्रखंड को, पूरे जिला में, औरंगाबाद जिला में भी 3 प्रखंड का इन्होंने अपना जो ऊर्जा थी उसे अपलाभित किया, तो उसका असर हुआ, लेकिन जितना असर होना चाहिए था उतना नहीं हो सका, कारण तो रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक जिनका अपना मोटो था, अपनी एक ललक थी, उन्होंने काम किया और अभी भी अपने विद्यालयों में वह काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो नवाचार अपने विद्यालयों में कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, यह संख्या बढ़नी चाहिए, हर एक शिक्षकों का जुड़ाव इसे होना चाहिए।
हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हर एक शिक्षक नवाचारी बने। तो हमारे विद्यालय में, हमारे प्रखंड में कई प्रकार के अभी तक नवाचार हो चुके हैं, जैसे कबाड़ से जुगाड़ के लिए जमा कर उन्हें उनसे विज्ञान का मॉडल बनाना, हम लोगों ने विज्ञान का मॉडल बनाया, बच्चों से बनवाया। हम अभिभूत हो गए जब बच्चे खुद से विज्ञान के छोटे छोटे मॉडल बनाकर आए, कीलो का संतुलन, पेंसिल का संतुलन, भोंकू का गुब्बारा, ऐसे खुद से जब फेफड़ा, अस्थि कंकाल, दिल, मस्तिष्क, दूरबीन, ये सब चीजें बच्चे जब खुद बनाकर आए, मुझे लगा कि नहीं, नवाचार होने का यही तो फायदा है, बच्चे जुड़े, बच्चे सीखे विज्ञान की छोटी छोटी चीजों, विज्ञान के सिद्धांतों से उन्होंने अपने आप को जोड़ा और खुद से मॉडल बना, एक बहुत सुखद अनुभूति थी। ये हुआ, इसके बाद हम लोगों ने कुछ विद्यालयों में समानुभूति दर्पण करके एक नवाचार किया। समानुभूति मतलब कि बच्चों में समानुभूति, मतलब खुद की अनुभूति स्वयं महसूस करें बच्चे। तो आज जब सहिष्णुता समाप्त हो रही है, हम छोटी छोटी सी बातों पर उबल जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आक्रोश भर जा रहे हैं, नफरत, ईर्ष्या, घृणा जैसे भाव हमें चरम रूप में विकसित हो रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर बच्चों को प्रारंभ से ही समानुभूति का एहसास कराया जाए कि जो चीजें आपको पसंद नहीं है, अगर वे चीजें आप दूसरों के साथ करते हैं, आप वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, तो जिस तरह से आपको खराब लगता होगा उनको भी खराब लगता होगा, तो इसलिए आप ऐसा व्यवहार करें ही क्यों जो आपको अच्छा नहीं लगे। तो जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों को कहा कि आप अपनी कुछ सुखद अनुभूति और कुछ बुरा अनुभव आप एक पेज पर लिख करके लाएं। और मैंने, हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, समानुभूति कॉर्नर उसका नाम दिया, उस बॉक्स में आप लिख के डाल दें। हमारे यहाँ विद्यालय के 5-6 बच्चों ने डाला, अनेक और भी विद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ था, हम लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को चलाया था। तो उसमें ये हुआ कि बच्चे अपने खुद की बात को जब लिखे और उन बातों को हम लोगों ने फिर जो चेतना सत्र होता है, प्रार्थना सभा होती है, उसमें जब उनका वाचन हुआ, तो जब उनकी अच्छी बातों को हमने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा। तो एक तरीका है बच्चों को नैतिक मूल्यों से जोड़ने का, समानुभूति की भावना का विकास करने का। फिर हम लोगों ने, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि हम अपने यहाँ बाल अखबार तैयार करवाया बच्चों से, दीवार अखबार करवाया, तो हमारे यहाँ भी विद्यालयों में बच्चों ने दीवार अखबार तैयार किया। अभी तक हम लोगों ने 5 अंक निकाला है और उसका शीर्षक दिया है हम लोगों ने बाल कलरव। तो बाल कलरव से 5 अंक हमारे विद्यालय में निकल चुके हैं और बच्चों में ललक होती है चित्र बनाने की, निबंध लिखने की, कविता लिखने की, छोटी छोटी कहानियों को जुगाड़ करके लाते हैं, दूसरे किताबों से नोट करके, ठीक है नोट करके ही लाए, लेकिन मैं तो मानता हूं कि अपना उनका एक वस्तु है, उनकी अपनी एक संपत्ति है, उनकी अपनी एक रचना है, तो हमने उसको महत्व दिया। 5 अंक निकल चुके हैं, अच्छा है, बच्चों में रचनात्मक क्षमता का विकास हो, सृजनात्मक भाव का विकास हो, तो इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया है। हम लोगों ने क्या किया कि कई प्रकार के सरकार के ऐप हैं, जैसे कोरोना काल में पिछले साल विद्यावाहिनी ऐप आया था और उन्नयन ऐप आया था, मैंने क्या किया कि अपने पोषक क्षेत्र में घूम घूम कर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया, उनका मोबाइल लिया, और विद्यावाहिनी ऐप और उन्नयन ऐप, 2 ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड किया। और उस समय मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय भी आ रहा था, तो उसका भी हम लोगों ने समय समय पर, 9 बजे से शुरू होता था, तो उनको बताया कि 9 बजे से शुरू होता है, आप बच्चों के साथ बैठ कर देखिए, आप जो सिनेमा देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, उसके स्थान पर अगर आप बच्चों के क्लास ऑनलाइन चल रहा है तो आप उसको भी देखिए, दिखाइए। तो ये प्रयास हमने किया। अभी ई लॉट्स जो ऐप बिहार सरकार द्वारा जो विकसित किया गया है, जो ई लाइब्रेरी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए है, ई लॉट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बच्चों और शिक्षकों के लिए एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप में बच्चों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनसे संदर्भित वीडियोज हैं, उससे संदर्भित और भी अन्य एनसीईआरटी के बुक हैं,
और भी जो भी कैपेसिटी बिल्डर बिल्डिंग के लिए जो भी सामग्री बिहार सरकार के द्वारा विकसित हुआ है वो सारी सामग्रियां वहां पर हैं। टीचर्स के लिए रिसोर्सेज क्या क्या है, शिक्षक साथी है और भी चहक है, कैचअप कोश है, ये सारे मटेरियलों, तो वो बहुत ही अच्छा ऐप है। उस ऐप को अभी तक हम कई बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करके उनके मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करवाया है और देखने के लिए प्रेरित किया है। यह बात सही है कि अभी भी डिजिटल डिवाइस सभी घरों में नहीं है, सभी घर डिजिटल डिवाइस से, एंड्रॉयड सेट से, लैपटॉप से वंचित हैं। मेरा आकलन है, मैं जब घूमा भ्रमण किया अपने पोषक क्षेत्र का, तो 10-20% लोगों के पास ही एंड्रॉयड सेट या डिजिटल डिवाइस है, बाकी 80% 85% के पास नहीं है। लेकिन 10-15% ही अगर लोग लाभान्वित होते हैं तो उसके सहारे और भी बच्चे लाभान्वित होंगे। हालांकि बिहार सरकार ने डिजिटल डिवाइस देने का विचार किया है और ये डिजिटल डिवाइस, मेरा मानना है कि जिस तरह से हम रोग के लिए, बीमारी के लिए अभिभावक जिस तरह से तैयार होते हैं, जब बीमारी आती है घर में, बच्चे बीमार पड़ते हैं, अभिभावक बीमार, परिवार के अन्य सदस्य बीमार पड़ते हैं, तो उसके लिए हम 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख तक खर्च कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम स्वास्थ्य के लिए सजग होते हैं, सतर्क होते हैं और 1,50,000 रुपया खर्च करने के लिए भी हम मजबूरी में ही सही तैयार होते हैं, उसी तरह से मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के बाद शिक्षा काफी महत्व परिवार को देना चाहिए, परिवार के सदस्यों को देना चाहिए। और घर में एक मोबाइल बच्चों के लिए जो एंड्रॉयड सेट हो, जिससे वह ऑनलाइन कक्षा जो चल रही है या हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाया है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसका लाभ बच्चों को मिले। हालांकि यह बात सही है कि जो फेस टू फेस क्लास ट्रांजेक्शन है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन जब कोरोना काल हो और इस घड़ी में जब विद्यालय शिक्षण बाधित हो, बच्चे और शिक्षक में दूरी हो, बच्चे घर पर हो, शिक्षक विद्यालय अगर हैं तो उनके पढ़ाने के लिए बच्चे उपस्थित नहीं हो, ऐसी दशा में बच्चों के लर्निंग लॉस को कुछ क्षतिपूर्ति करने के लिए, भरपाई करने के लिए ऑनलाइन एक तरीका है, ऑनलाइन एक माध्यम है जिसके सहारे हम बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं। मैं अभी ऑनलाइन क्लास प्रतिदिन लेता हूँ। फेसबुक पेज पर मैं आता हूँ, अपने फेसबुक पेज पर अभी 2-3 दिन से मैं 9 बजे आ रहा हूँ, इसके पहले मैं 10 बजे आता था। अभी तक हम 27 दिन का क्लास मैंने लिया है और उसका जो फेसबुक पेज का जो लिंक होता है, जो मेरे ऑनलाइन क्लास का होता है, उससे मेरे पास करीबन 10-15 बच्चों का व्हाट्सएप आया हुआ है, मैं उस पर उसको लिंक को सेंड कर देता हूँ। मैं अपने विद्यालय के शिक्षक से, चंदन चांद सिंह हैं, नीलम कुमारी हैं, रेणु जी हैं, उनको मैंने कहा है कि आप पेज पर ही सही कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स लिखिए और मैं उनको ट्रांसफर करूंगा, तो मैं उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अभी ऑनलाइन जो एक माध्यम है बच्चों से जुड़ने का, शिक्षकों का बच्चों से अपना संपर्क बनाए रखने का, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और ये बात सही है कि बहुत से बच्चे अभी भी वंचित हैं, कुछ ही बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइस, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सभी परिवार को कम से कम एक एंड्रॉयड सेट बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि वही अभी के युग में तरीका उनका है पढ़ाई लिखाई से जुड़ने का। हालांकि ये बात सही है कि मोबाइल्स का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, उन पर आंखों का भी कुछ असर हो सकता है, उनकी आंखों पर ये सब नकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जुड़ने का एक तरीका हो सकता है। तो इस तरह से मैं कई प्रकार के नवाचार किया जिसका लाभ बच्चों को मिला है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आई हैं। मेरे द्वारा जो नवाचार किया गया, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ सकारात्मक रहे, ढेर सारी चीजें ऐसी थी जिसको झेला गया। अब है कि एक माहौल नहीं है, अगर एक दो शिक्षक हैं अपने विद्यालय में कर रहे हैं तो दूसरे शिक्षक को अच्छा नहीं लगता है, उनका टांग खींचेंगे, उनकी शिकायत करेंगे, उनके बारे में प्रोपेगंडा बनाएंगे, देखिए अपने हाईलाइट होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, ये कुछ नहीं है।
तो ये जो माहौल हमारे यहाँ नहीं बन पा रहा है, तो सबसे बड़ी चीज है कि माहौल का बनना। अगर विद्यालय के सारे शिक्षक अगर नवाचार में विश्वास करें, नवाचार से जुड़े, तो समस्या ये नहीं आएगी और माहौल बन लेगा। तो एक जो माहौल की कमी है, ये बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। दूसरी समस्या है कि विभाग का सपोर्ट उतना नहीं मिलता है। आप नवाचार कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपने स्तर से कर रहे हैं, हालांकि अभी भी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे वरीय अधिकारी हैं जो आपके कामों को सराहना करते हैं, आपके कामों को अच्छा बताते हैं। अभी हमारे यहाँ राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार हैं, वो अपना हर दिन एक पेज लिखते हैं, एक ग्रुप बनाए हुए हैं, और हम लोगों के जैसे जो शिक्षक नवाचार करते हैं उनको वो दो शब्द ही बहुत बढ़िया ये कहकर ही हम लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं। तो जो एक वरीय पदाधिकारियों के तरफ से एक जो सहयोग होना चाहिए, जो एक अनुसमर्थन होना चाहिए, मेरा मानना है कि उनके तरफ से भरपूर हो। प्रशंसा के लिए केवल दो शब्द, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, हमें कोई आर्थिक मदद की उतनी जरूरत नहीं, और भी संसाधन की कोई जरूरत नहीं, तब कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं, लेकिन बस केवल आपका एक सहानुभूति चाहिए, आपका एक प्रोत्साहन चाहिए, बहुत अच्छा। तो ये अगर शिक्षकों में मिले, हमारे जो अधिकारी हैं, अगर उनका प्रोत्साहन शिक्षकों को मिलता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि नवाचार का ये जो काम है, ये जो अभियान है, वो बड़े फलक पर नहीं आ सकता है। एक वहां कमी है। दूसरा, मीडिया का जिक्र आ रहा था, तो ये सही है कि मीडिया के से जुड़े सारे लोग खराब हैं, ऐसा नहीं है। मीडिया के कुछ लोग अच्छे भी हैं, जो पॉजिटिव न्यूज, जो शैक्षिक खबरों को अपने अखबार में स्थान देते हैं, जैसे औरंगाबाद का मीडिया शैक्षिक खबरों को भरपूर स्थान देते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं रहती। हो सकता है अब और जगह में ऐसा नहीं हो, लेकिन मीडिया का भी प्रोत्साहन जरूरी होता है। मीडिया में बातें आनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप करते हैं उसका दस्तावेजीकरण हो, उसका वीडियोस बनाइए, उसका फोटोज बनाइए, और आप दूसरे लोगों को भी साझा करिए। तो अखबार एक माध्यम है, सोशल मीडिया एक माध्यम है कि आप जो कर रहे हैं उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले, दूसरे लोगों को भी सीख मिले, लोग भी उस नवाचार को करें, उसके नवाचार को जाने, अपने यहाँ प्रयोग करें, एक दृष्टि विस्तार करने के लिए, अपनी समझ को और पैना बनाने के लिए, धारदार बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाना चाहिए। तो ये एक तरीका। दूसरा है कि आर्थिक संसाधन जैसे विद्यालयों को मिलना चाहिए, जैसे अभी डिजिटल डिवाइस कई विद्यालयों में नहीं है, जैसे अभी स्मार्ट क्लास उन्नयन के अंतर्गत हाई स्कूलों में भी टीवी दिया गया है, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइमरी और मिडिल के लिए कोई योजना नहीं है। तो मेरा मानना है कि सभी स्कूल, प्राइमरी हो, मिडिल हो, वहां का एक न एक LED टीवी, एक न एक डिजिटल, एक ICT का संसाधन जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे, उसके माध्यम से सरलता से, सहजता से, अनेक प्रकार के शिक्षकों के द्वारा जो बनाए गए वीडियोज हैं, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा बनाए गए जो वीडियोज हैं, शिक्षकों के द्वारा बनाए गए हैं, विभाग के द्वारा बनाया गया है, उनका पूरा पूरा लाभ बच्चों को मिले। क्योंकि ऑडियो वीडियो एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को आकर्षित करता है। तो मेरा मानना है कि बिहार सरकार को जरूर बिहार के सभी विद्यालयों को ICT के संसाधन मुहैया कराना चाहिए, ताकि बच्चे शिक्षक नवाचार करने के लिए प्रेरित हो सके। तो यही कुछ समस्याएं। अभिभावकों का भी कभी कभी उदासीन ऐसा मिल जाता है कि उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि बच्चे जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, बच्चे जिस घर से आ रहे हैं, उस घर में शिक्षा का वो स्तर नहीं है, शिक्षा का वो माहौल नहीं है, उनको खराब भी लग सकता है हमारा नवाचार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हम नवाचार करें। लगता है मेरी बात समाप्त करने का समय आ चुका है। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और इस तरह का कार्यक्रम जरूर चलते रहना चाहिए और इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम। शुक्रिया चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। प्रयास होते हैं तो सफलताएं मिलती हैं।
और दीपक जहां जलता है मैं यह मानता हूं कि कुछ ही दूर तक हो मगर रोशनी होती है। इसके बावजूद मैं इस बात को हमेशा यह मानता हूं कि अगर दुनिया को रोशन करना है तो सूरज का होना जरूरी है, दियों से दुनिया को रोशन नहीं किया जा सकता है। यह विवाद का हमेशा विषय रहा है, लगातार इस पर बहसें होती रही हैं कि व्यक्तिगत प्रयासों की कितनी भूमिका है और सरकार के प्रयासों की कितनी भूमिका है। यह हमेशा कि अगर समाज की तस्वीर को बदलना है तो वह सरकार करेगी या व्यक्तिगत प्रयासों से, और दुनिया के हजारों वर्षों का इतिहास यह प्रमाणित करता है कि व्यक्तिगत मुक्ति की आकांक्षा से कभी समाज की मुक्ति नहीं हुई है, उसकी उसके व्यक्तिगत मुक्ति के प्रयासों से कभी समाज की मुक्ति नहीं हुई है। यह बौद्ध दर्शन के बुद्ध के पहले से लेकर आज तक का इतिहास यही कहता है कि हम अपने प्रयास से एक स्कूल को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के स्कूल को बेहतर नहीं बना सकते हैं। तो इसमें सरकार की तो महत्व भूमिका हो ही जाती है, इसमें कहीं किसी संदेह की बात नहीं है, लेकिन यह बात कहीं निरुत्साहित करने वाली एक दम नहीं है कि हम अगर सरकार इस तरह का प्रयास नहीं कर रही है या पिछड़ रही किसी कारण से रही है, दिया जलाना छोड़ दे, क्या हम मशाल जलाना छोड़ दें, क्या हम आगे बढ़ना छोड़ दें। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर वह रविंद्रनाथ ठाकुर की उस कविता को याद कीजिए कि सूरज जब डूबने जा रहा था तो याद उसने वह चिंतित हो गया, उसने कहा कि मेरे बाद इस दुनिया को कौन रोशन करेगा, एक छोटा सारे चंद सितारे सारे चुप रहे, एक छोटा सा दिया सामने आया और उसने कहा कि सूरज आप जब चले जाएंगे तो इस दुनिया को भरसक में रोशन करने की कोशिश करूंगा। आप उसी रविंद्रनाथ की उसी कविता के उसी दिए की तरह अपने अपने क्षेत्रों को रोशन कर रहे हैं। शुक्रिया। और अब पार्टिसिपेंट्स की बारी है, और सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं आरटी फोरम के जो राष्ट्रीय कन्वेनर मित्र रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर के बाद उन्हें एक दूसरी बैठक में भी 3 बजे से शामिल होना है, मैंने उन्हें रोक करके रखा हुआ है, वो शायद चले ही गए। अपराजिता जी हमारे साथ हैं, अपराजिता जी से अनुरोध है कि वे 2 शब्द कहें, संक्षिप्त टिप्पणियां, कुछ साथियों की संक्षिप्त टिप्पणियां। अनिल भाई, अच्छा अच्छा आप हैं अनिल जी। जी हाँ। जी अपराजिता आप बोले। हाँ 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 मित्रंजन जी आप बोलिए, क्योंकि मैं माफी चाहूंगी मैं शुरुआत से जुड़ नहीं पाई, लेकिन मैं ये पूरा पहल जो बिहार आरटी फोरम का है अनिल जी और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जो आगे का काम हम करने वाले हैं कि एक शिक्षा नीति पे भी बिहार में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, ये सारे जो नैरेटिव निकल के आए हैं मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनिल जी मैं आपसे इस पे बात करूंगी और जो भी आज स्पीकर्स रहे उनसे भी बात करना चाहूंगी कि कैसे इसको और कॉन्क्रिटाइज कर सकते हैं मित्रंजन जी, और इसको कैसे आगे लेकर जा सकते, क्योंकि जो भी मैं जितना सुन पाई जो भी इश्यूज आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया और जो भी मुझे लगता है एक सलूशन भी सबके नैरेटिव में था कि कैसे क्या संभावना हो सकता है आज के टाइम में, अभी के जितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है सामाजिक और स्पेशली स्कूली व्यवस्था जो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना काल में, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इस पे हाँ इस जो चर्चा आज रहा है उसको हम जरूर आगे लेकर जाएंगे और उस पे कैसे ये नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ये जो काम की बात हुई है इसको कैसे आगे लेकर जा सकते हैं इस पे और भी बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, खास तौर से अनिल जी जो इस पे लगे हुए हैं बहुत दिनों से, और हम लोग बात भी कर रहे थे लेकिन बीच में क्योंकि बहुत सारी ऐसे घटनाएं हुई कि
उस पे हम इतना चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन ये फिर से शुरू करने के लिए और सभी को एक साथ लाने के लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी सभी को। थैंक यू। शुक्रिया अपराजिता जी। मित्र रंजन जी, बहुत शुक्रिया अपराजिता जी को भी कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सबसे पहले तो ये जो पूरा कार्यक्रम इसकी जो पहलकदमी है, इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ साथी और अग्रज गालिब साहब की पहल है ये, जो उन्होंने अनिल जी के साथ बातचीत करके इसको एक अमली जामा पहनाया है। तो सबसे पहले तो मैं उनको काफ़ी धन्यवाद करूंगा। गालिब साहब हैं, अनिल जी हैं, और इसके आयोजन में जो आरटी फोरम बिहार के जो साथी हैं, औरंगाबाद हसरत मोहानी साइंस घर और टीचर्स फॉर चेंज, ये तीनों जो आयोजक गण हैं, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की है और एक श्रृंखला के रूप में इसको करेंगे। ये एक बड़ी सुकून देने वाली बात है अभी के तमाम प्रतिकूल समय में। मैं बहुत संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि काफ़ी समय से हम लोग सोच रहे थे कि जो ग्राउंड एक्सपीरियंसेस हैं, जो शिक्षकों के जो जमीनी अनुभव हैं अभी के समय में, पहले भी लगातार वो एक नवाचार का काम करते रहे हैं, ऐसे शिक्षक हमारे बीच में हमेशा से रहे हैं, और जिनको स्थानीय स्तर पे या बाकी और भी स्तरों पे जहाँ पे लोग जानते हैं, वो काफ़ी आशा और उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं उनको कि कैसे शिक्षा में कुछ बदलाव आए, और वो भी भरसक कोशिश करते हैं बिना किसी स्वार्थ के कि एक थोड़ा एक इस एहसास के साथ कि हम कुछ बदलाव की कोशिश में लगे हुए हैं, वो अपने काम को लगातार अंजाम देते रहते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे साथ आज जितने भी शिक्षक जुड़े हुए थे आलोक दूत के रूप में, जो एक प्रेरणा दे सकते हैं और दे रहे हैं, चाहे वो विजेंद्र केसरी जी हों, चाहे जहारा खातून जी हों, मनोज जी हों, इन सबके जो स्ट्रगल हैं, बाकी हमारे साथ ही सुधीर जी जैसे हैं, या अभी जो हम बात कह रहे थे चंद्रशेखर जी, ये सारे साथी, और किन्हीं का नाम अगर छूट रहा हो तो, ये सारे साथी जिस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। जैसे जहाँ आरा जी ने जिस स्ट्रगल का वर्णन किया कि पढ़ाई छूट जाने के बाद भी उन्होंने ये तय किया कि पितृसत्तात्मकता के खिलाफ और खास करके जो बच्चियों के खिलाफ जो भेदभाव होता है समाज में, और वो हर स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो शिक्षा में भी रहता है और ये हम हर जगह हम देखेंगे। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक तय किया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और शिक्षा न केवल खुद हासिल करनी है बल्कि बाकी लोगों को भी समाज में शिक्षा दिलानी है, और इस काम में वो लगातार लगी रही। इसका प्रतिफल हम सामने देखते हैं। इसी तरह के जो लोग हैं उनके साथ बदलाव की कुछ गुंजाइशें अभी बची हुई हैं। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, इसकी सफलता तो देखिए, एक सफलता तो यह है कि हम अधिकांश लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक इस तरह की पहलकदमियों की बात पहुँचाए, और वो चीज एक जो कहते हैं कि ज्योति से ज्योति जलने वाली बात जो है, ये हम इसको हम आगे बदलाव के शक्ल में हम कैसे आगे ले जाएंगे वो हम देख सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है जो अभी अनिल जी जो बात कह रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी साथ में अपनी दृष्टि साफ रखनी होगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका अंततोगत्वा सरकार का जो दायित्व है, जो शिक्षा अधिकार कानून के 100 सालों से भी ज्यादा के संघर्ष के बाद हमने जो एक कानून हमने हासिल किया है, वो भी आधे अधूरे रूप में है अभी तक, और जिसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं कि उसका एक्सटेंशन हो, 3 जो 6 से 14 साल की का जो कानून के दायरे में जो बच्चे हैं उसका एक्सटेंशन हो करके वो 3 से 18 साल हो, और आरटी एक्ट के कानूनन विस्तार की बात हो।
तो इस तरह से एक सरकार का जो दायित्व बनता है उसकी तरफ हमें हमेशा ही अपनी दृष्टि एक साफ रखनी चाहिए कि सरकार के दायित्व क्या है, और उसके बीच में हम लोगों के जो दायित्व हैं, जो सीमित दायित्व भी हो सकते हैं, हम लोगों की सीमित क्षमताएं हैं संगठनों की, उस रूप में हम ये तमाम प्रयास जारी रख सकते हैं और जारी रखना चाहिए। और निश्चित तौर पे इससे एक बड़ा फायदा ये है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है अभी उसके प्रयासों के बारे में हमें काफी कुछ पता चला है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ये है कि केवल डिजिटल डिवाइस अगर हम बांट दें और डिजिटली मान लीजिए कि लोगों को इक्विप कर भी दिया जाए, तब भी शिक्षा के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकेगी, जो कि शिक्षा एक दूसरे के साथ संवाद और सोशल मोबिलाइजेशन का, सामाजिक बदलाव का जो एक जरिया है, इसे अभी हमारे एक शिक्षक कह भी रहे थे, गालिब साहब भी अपनी प्रस्तावना में कह रहे थे, तो उस तरफ हम लोगों को का ध्यान हमेशा एक होना ही चाहिए। अनिल जी, मुझे लगता है कि अभी मैं बस इतना ही कह करके, और इस बात के साथ कि राइट टू एजुकेशन फोरम की तरफ से लगातार हम इस बात को इन जारी रखेंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, और गालिब साहब जैसे पथ प्रदर्शक, चिंतक और खास करके शिक्षा के मसले पे जिन्होंने अपना जीवन एक तरह से लगा दिया है, और पूरे जिसमें कि बेसिकली वो शिक्षा का जनांदोलन था जिसमें उन्होंने अपना पूरा समय गुजारा है, हम लोग कभी भी उनको एक अधिकारी की दृष्टि से हम लोग नहीं देख पाए, और मतलब माफ कीजिएगा ये वाले शब्दों के लिए, लेकिन हम लोग हमेशा ये जानते रहे कि वो सड़कों पे उतर करके आंदोलन करने वाले लोगों में से हैं। तो इनके दिशा निर्देश में इस तरह की श्रृंखला और भी बेहतर तरीके से चलेगी, हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे शिक्षक जो हैं वो लगातार अपने नवाचारों के साथ जो बदलाव की एक भूमिका में लगे हुए हैं, उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। बहुत प्रतिकूल समय है और ये फ्रंटलाइन वर्कर की तरह लगातार अपने काम में लगे हुए हैं, इसमें सरकार को भी पूरा सहयोग करना चाहिए, और अपने किसी मेमोरेंडम में जब हम सरकार को सौंपते हैं तो इस तरह की पहलकदमियों के बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और सरकार भी उसमें अपनी तरफ से क्या मदद कर सकती है, सरकार को बताना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथी, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं फिर से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अनिल जी एक मिनट जी। बहुत से साथी जुड़े, जैसे हतपुरा से शमशेर आलम हैं, दाऊद नगर से ललन चौधरी हैं, मुजफ्फरपुर से लक्ष्मीकांत जी हैं, मधेपुरा से अवधेश हैं, साथियों को। और मेरा प्रस्ताव है कि अगला विमर्श जो हम लोग मासिक करें, महिला शिक्षिकाओं को हम बुलाएं, अगला जो मासिक संवाद हो, वैसी शिक्षिकाएं जो जिनको मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिशनर एकेडमिशियन हैं, तो जो चार पांच या छह जो भी हो महिला शिक्षिकाओं को मोबिलाइज किया जाए। एक बात मेरा प्रिहेंशन है, या मैं अग्री नहीं करता हूँ अपराजिता जी से, कि अभी हम बहुत नैरेटिव वगैरह की बात नहीं करें, अभी हम इस प्रयास को कम से कम 5-6 महीना हर महीने में एक विमर्श कंटिन्यू करें, और जो चीजें निकल के आती हैं उसका एक नैरेटिव को कैसे हम पेन डाउन करें, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करें और एक दस्तावेज बनाएं। अभी बहुत जल्दी इस कंक्लूजन पर जाना कि एक ही विमर्श में बहुत सी चीजें निकल के आई हैं और नैरेटिव बना देंगे, शायद ये एक जल्दीपन होगा और दूर से बैठ के ऐसा ही सोचा जा सकता है। तो मेरा अनिल जी से निवेदन है, आईटी फोरम बिहार से निवेदन है। जी सर, मैं सहमत हूँ आपसे बिल्कुल। एक मिनट, कि हम अभी इस प्रयास को थोड़ा सस्टेनेबल बनाएं,
जैसे मान ली कि हमने अनिल जी ने शेयर भी किया होगा कि 3800 जिला तक हम पहुंचे। आज देखिए अभी हम 5-6 जिला पहुंचे, तो अभी भी क्या बोलते हैं कितने जिले बाकी हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसी में अगला विमर्श जो हो सिर्फ हम महिला शिक्षिकाओं को हैं, उनको हम लोग मैं अनिल जी मिलते के मोबिलाइज करूंगा, तो 3800 जिला में पहुंच जाए। और ये एक जब कारवां तैयार हो जाए वो अपने आप में एक नरेटिव होगा। अब सारे पार्टिसिपेंट से अनिल जी ने कहा तब फिर कहेंगे कि वो आपने जो शेयर साझा किया है उसको रिटेन में आप भेज दीजिए। धन्यवाद अनिल जी इस हस्तक्षेप। जी जी शुक्रिया, आपने मित्रानंदन जी को शुक्रिया नहीं करने दिया तो देर से मित्र रंजन जी का शुक्रिया करता हूँ। आप मैं मित्र रंजन तीन आदमी छोड़े हैं, वो एक आदमी का जो हो गया। और अभी जो आप कह रहे थे या बातचीत अभी जो चल रही थी वह सुनते हुए मेरे मन में इसके कई आयाम उपज रहे थे। एक आयाम जिसकी आपने चर्चा की कि केवल महिला शिक्षक शिक्षिकाओं को ही हम शामिल करेंगे, उनके संघर्षों और उनके नवाचारों को यह करने के लिए हैं। जी जी उसी तरह मैं यह सोच रहा था कि कुछ ऐसे शिक्षक अगर हमें मिले या शिक्षिकाएं मिले जिन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया हो, खास करके मुसहर समुदाय के बच्चों के लिए अगर विशेष प्रयास किया हो, नवाचारी प्रयास किया हो, तो अलग अलग क्षेत्रों के भी अगर हमको इस तरह मिलेंगे तो वह विशेष एपिसोड उसका चलाएंगे। अनिल जी दलित शिक्षिकाओं का और शिक्षक का मैंने सूची बना लिया है आपको। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तरह हम लोग कई आयामों पर इसके विशेष एपिसोड है सो चलाएंगे। अब हमारे साथ आरटी फोरम बिहार के आधार स्तंभ आधारशिला और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता विजय कुमार सिंह जी हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ संक्षिप्त टिप्पणी के लिए और साथियों के पास भी आता हूँ संक्षिप्त टिप्पणियां। धन्यवाद अनिल जी। ये मित्रों मैं संक्षेप से अपनी टिप्पणी करूंगा और मुझे अच्छा लगा, बहुत मैं आह्लादित हुआ इस बात को देख के समझ के अपने साथियों के विचारों को सुन के, और इसके लिए मैं विशेष तौर से गाली भाई को अनिल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये अवसर दिया और ऐसे नवाचार राज्य के कई विद्यालयों में होते हो रहे हैं और वो नवाचार तरह के नवाचार है, क्योंकि देश में नवाचारों का लंबा इतिहास है। और आप देखें तो बीजू भाई ने एक बहुत बड़ा नवाचार किया और आज भी उस उन नवाचारों को याद किया जाता है। मित्रों आज जिन साथियों ने अपने अनुभवों को साझा किया और विद्यालयों में और बच्चों के साथ मिलकर जो नवाचार किया है वो सब सचमुच सीखने लायक है और समझने लायक। और मुझे लगा कि मनोज जी जब अपनी बात कह रहे थे तो जॉन हॉल्ट की किताब है लोकतांत्रिक विद्यालय डेमोक्रेटिक स्कूल, और उसमें कई ऐसे उदाहरण है और कई ऐसे उदाहरण है जो आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो हमारे विद्यालय लोकतांत्रिक नहीं हो पाएंगे। और सतीश कुमार ने कहा था एक समय में कि शिक्षक तो विद्यालयों में विनायक की भूमिका में होता है, तो इन सारी चीजों को हमें तोड़ने की जरूरत है। और जब तक विद्यालय लोकतांत्रिक विद्यालय नहीं होगा और जहां पर बच्चे आनंद का अनुभव नहीं करेंगे और तब तक बहुत सारी चीजों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आपको देर होगा मूल्यों को लेकर, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन मूल्यों को जीवित रखना भी हमारा दायित्व है। और चंद्रशेखर साहू ने सहानुभूति कॉर्नर डिजिटल डिवाइस जो चर्चा की
और उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में जिस तरह से नकारात्मक दिखाया जाता है कि शिक्षक को और नहीं लिखने आता है, अनार नहीं लिखने आता है, या उनमें उनकी लेखनी में वर्तनी का दोष होता है, ये नकारात्मक चीजें मीडिया द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन मीडिया का यह काम है कि वो ऐसे पक्षों को रखे जहाँ नवाचार हो रहे हैं, जहाँ शिक्षक लगातार नवाचार कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अंतर काम कर रहे हैं और उनके साथ एक मित्रवत संबंध बनाए हुए हैं और छात्रों विद्यालय शिक्षक के बीच एक मित्रवत रिश्ता होना चाहिए और एक मित्र का ही रिश्ता सबसे बेहतर रिश्ता होगा, ताकि वो प्रश्न पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है और जब तक बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं है। जहाँ आरा जी और सुधीर जी, केंद्र केसरी, तमाम साथियों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कठिन समय में वो काम कर रहे हैं। तो मैं एक और बात जोर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये सारे के सारे नवाचार खंड खंड में हो रहे हैं और जो एक दूसरे जगह से उसका संचार भी नहीं हो रहा है, ना हो पा रहा है, और एक विद्यालय में क्या नवाचार हो रहा है नवाचार का पता नहीं चल रहा है। यह जो आलोक यह कार्यक्रम करें, यदि हम इस पूरे कार्यक्रम को यदि हम शेयर करें और जिन माध्यमों से शेयर करें जहां तक शेयर कर सके, भविष्य में तो हम और लंबी श्रृंखला होगी और इसे इससे निरंतरता होगी और यह निरंतरता समाज के हर तबके के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, उसमें दलित भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। और आप जिस तरफ अनिल इशारा कर रहे थे कि आज मुसहर जाति अपनी भाषा बोलता है, आप देख लेंगे मुसहर जाति भाषा जो है एक जगह दूसरी जगह में अलग थलग नहीं है। और एक मैंने मुसहर से कविता लिखी, वो कविता प्रकाशित की, तो वो किस तरह से अपनी भाषा नहीं बदलते और किस तरह से अपनी जड़ों में चिमटे रहते हैं। तो मित्रों, ये एक समाज का ये चैलेंज है, चुनौती है, चुनौती को हमें स्वीकार करना है। हमें यह भी मानना चाहिए कि अलसंता एक यदि हम लोकतांत्रिक सेटअप में रहते हैं तो सरकार यदि लोक कल्याणकारी सरकार है, यदि स्टेट वेलफेयर स्टेट है, उसकी जवाबदेही बनती है, उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है, स्वास्थ्य की जवाबदेही बनती है। यदि हम अपने छात्रों को जो नवाचार बता रहे हैं उनको एक सजग नागरिक भी बनाएंगे और यह ऐसा नागरिक बनाएंगे जो सवाल और जब बच्चे सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो सारी चीजें गटमट जो चीजें दिखाई दे रही है समाज को वो एक बैग समाप्त हो जाएगी। और आप अब और हमें इस बात की उम्मीद है और सरकार को एक्ट बना हुआ है, सरकार हमें प्रकारांतर से उन चीजों को भी बताना चाहिए, ज्ञानात्मक जो है वो तो हो, जो सहजता है वो तो हो, सरकार को इन अधिकारों के लड़ना भी पड़ सकता है, गरीब जाने को लड़ना भी पड़ सकता है और के साथ लड़ाई को आलोक कार्यक्रम को हम चलाएंगे और हमें उम्मीद है यह कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा सफल होगा और अगली श्रृंखला में हम और समृद्ध होंगे और आगे जाएंगे और जो हमारा मूल काम है जो पार्टी फोरम में जो अपना काम किया हुआ है कार्यक्रम को भी हमको बढ़ाने की सुविधा होगी। कलम चला रहे आलोक धनवा एक कविता तमाम कविता नहीं है जो गोभी दागने की आवाज है, हम तमाम कलम चलाने वालों को तमाम हल चलाने वालों को
तो एक बड़ी लड़ाई है, किसानों के बीच बड़ी लड़ाई है, किसानों को जो हमारे अधिकार शामिल करने के लिए और यह आलू हमें उसमें मदद करेगा। गिरीश के शब्दों के साथ पुनः मैं गालिब साहब को, अनिल जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह अवसर दिया और यह अवसर जारी रहेगा और उस अवसर को हम सहभागी हैं, सहयात्री हैं, मैं इसे सहयात्री की तरह से मैं इसे शामिल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। अनीता जी बक्सर से। हर असर इस तरह से किया जाएगा तो जो कुछ नवाचार कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और हर अपना अनुभव साझा करने से दूसरों को भी लगता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस तरह का कार्यक्रम हो तो अच्छा है, हमको फिर भी बढ़िया कुछ सीखने का मौका लगेगा। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। ललन जी हैं। ललन जी, ललन जी आप माइक को ऑन कर लीजिए। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम सर। ललन जी आप अपनी बात कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है ललन जी। हेलो, हाँ ललन जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ये खाना क्लैप दे लो। हाँ हाँ कहा जाए तो पता छत पर ठीक है। लक्ष्मीकांत जी मुजफ्फरपुर से हम लोगों के साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। लक्ष्मीकांत जी 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 नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। मैं तो अपनी अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दो मिनट जी जी। आज के दिन में ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है सर, ये तो काफी हमारे लिए सीख के बिंदु है, क्योंकि हम तो शुरू से ही इस ओर सीखने के लिए इसलिए तमाम आप तमाम लोगों का अनिल भाऊ हमारे गालिब दातो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, पथ प्रदर्शक रहे हैं और हम लोग जुटे रहे हैं। खास करके सर इसमें हमको तो सीखने का मौका मिलता है। अब गालिब दा का जो वो नया विज्ञान में जो होता रहता है कार्यक्रम, उसको मैं ट्रेनिंग के माध्यम से अपने बच्चों को देता हूँ। जहाँ क्योंकि मैं डीएलएड और बीएड के ट्रेनिंग में कार्य कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा समय दे रहा हूँ, तो उसको उससे प्रयोग को मैं ट्रेनिंग के पार्ट में जोड़ने का प्रयास करता हूँ। खास करके मैं ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन के ही टीचर हूँ और वहाँ पर भी मुझे यही बताना पड़ता है, तो मुझे बहुत फायदा मिलता है उससे और उसका मैं प्रयोग उस ट्रेनिंग पार्ट में करता हूँ। तो सर हम लोग हमारी जो समझ बनती है कि इसमें हम लोग जैसे ट्रेनिंग का माहौल पहले बिहार शिक्षा परियोजना वगैरह से होता था और उसमें जो कार्यक्रम को लगातार करने की बात है, तो हम लोगों को इसको तुमको जो गालिब दा ने जैसे कहा कि इसके इसको मंथली हम लोग इसको रिव्यू करें और इस पर चर्चा करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और फायदेमंद भी होगा और हम लोगों को गाँव तक जाने का वह सुदूर देहात तक ने जिसके लिए हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि वह अल्पसंख्यक या दलित जिससे वंचित है उस वंचित वर्ग तक हम पहुँचेंगे, तो यह हमको उसके जोड़ना जोड़ने के लिए इसमें हमको ट्रेनिंग पार्ट के में भी इसको थोड़ा सा जोड़ने की जरूरत है और हम लोग कोशिश करेंगे कि सर इसमें जो ट्रेनिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कुछ लोगों को इसमें जोड़ने की जरूरत होगी और लोगों को भी हम लोगों को आमंत्रित विभिन्न जिलाओं से करना चाहिए कि वह ट्रेनिंग में इस चीज को रखें। जो नया जो टीचर बने वह उसकी मानसिकता सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग ज्ञान ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक की जो बात करते हैं, और तभी संभव होगा जब हम जो नए टीचर को इस रूप में
उसको ट्रेन अप करेंगे और उसके मानसिकता को बदलेंगे, उसके ज्ञान में परिवर्तन लाएंगे। हम लोगों ने देखा है सर कि कंटिन्यू जब बिहार शिक्षा परियोजना में जो ट्रेनिंग के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता था और लगातार जो हो रहा था बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता था, उसी को अब एक खानापूरी के रूप में बना दिया गया है, खानापूरी हो रही है। ये हमारी समझ है कि इसको कंटिन्यू यदि हम लोग करें और इसमें विचार विमर्श होता रहे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और हमको सुदूर उस गांव तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और इसको हम उस पर ट्रेनिंग के बाद हम नई शिक्षा नीति के चर्चा में भी हम बार बार इस चीज को रखते हैं कि देखो जहाँ पर एक तरह के समझ वाले लोग हैं जो हमको इस तरह के मटेरियल उपलब्ध कराते हैं तो गाँव में कैसे तुम स्थानीय संसाधन से तुम कैसे अच्छा से अच्छा तुम शिक्षा दे सकते हो, क्योंकि स्थानीय भाषा का प्रयोग और स्थानीय संसाधन से जब हम करेंगे तो बच्चा ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। हमको देखने में भी लगा है कि हमारे ट्रेनिंग पार्ट में बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है और वो सब खुद बना के कुछ ऐसा निकाल आता है जो हम लोग अपने विद्यालय में भी उसको रखते हैं और उसको दिखाने के लिए दूसरे बच्चों को भी करते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है सर और इस तरह कंटिन्यू होना चाहिए, साथ साथ इसको मंथली रखते हैं। गालिता का जो सोच है इसमें हम लोगों को इसको आगे बढ़ाने के लिए मंथली विचार विमर्श के लिए रखना चाहिए और इस कोरोना काल में तो यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। हमको तो इसको कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास में भी इसको हम कभी कभी शेयर करते रहे हैं बच्चों के साथ, इसलिए यह जरूरत है सर कि उसमें भी इसको पार्ट के पार्ट बनाया जाए, ट्रेनिंग पार्ट में भी इसको डलवाने का प्रयास किया। उन लोगों को भी हम लोगों को आमंत्रित करके उन लोगों से भी कुछ नवाचारी के बारे में करना चाहिए। नवाचारी के लिए तो हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया है क्योंकि जो समय पहले से था और उसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और बच्चों के बीच में आज के दिन में तो स्थिति ये बन गई है कि अब कहा जा रहा है कि अब डिजिटल और एजुकेशन के लिए हम कितना परसेंट बच्चे डिजिटल एजुकेशन के लिए उधर उपलब्ध हो पाते हैं, इसी पर बड़ा मुश्किल बात हो जाती है। बच्चों के पास तो कहाँ से मोबाइल आएगा, एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह, वह बहुत ही कठिन नारी बात है। जो फेस टू फेस होता है और जो हम कार्य करते हैं वह ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए हम लोगों को लेकिन लगातार यदि हम ऐसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर करके रखेंगे तो ज्यादा हमको यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मौका मिलेगा। और जिस जो उद्देश्य हमारा है कि उस वंचित अल्पसंख्यक और कमजोर तबका के लोग तक पहुंचे तो पहुंचा जा सकता है। और यह बहुत अच्छी अच्छा विचार है कि महिलाओं को खास करके इसमें ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, उनको ज्यादा रखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि महिलाओं में एजुकेशन के प्रति जो भावना बढ़ी है वह काफी सकारात्मक भावना है, इसलिए यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है। ज्ञानात्मक परिवर्तन तभी होगा जब उसका भावना परिवर्तन होगा, और भावना परिवर्तन तभी होगा जब हम क्रियात्मक को लागू करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, तभी हम क्रियात्मक तब हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के लिए कार्यशाला हम आप तमाम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बार बार इसमें हम सहयोग करने का अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। राजीव जी बिहार बाल आवाज मंच के हैं, दो शब्द के लिए मैं आपको सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है अनिल जी? एकदम। तो ये जो नवाचार पर जो शिक्षक गण के द्वारा जो बात रखी गई है और यह कार्यक्रम भी एक तरह से आज ऑनलाइन की दुनिया में आज जो कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने किया है ये भी अपने आप में एक नवाचार कार्यक्रम है। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जो शिक्षक अपने अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं और यह समझ के शिक्षक से काम कर रहे हैं कि यह हमारी भूमिका है समाज के प्रति, तो यह सुन के और समझ के बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो धीरे धीरे सरकार के द्वारा तो
शिक्षकों के प्रति यह रवैया बना दिया गया है कि शिक्षक तो कुछ करते ही नहीं, जो भी काम आता है शिक्षकों को सरकार के द्वारा दे दिया जाता है, लेकिन शिक्षक अपने माध्यम से उन बच्चों के प्रति और उस समाज के प्रति इतने सेंसेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, यह अपने आप में ही बहुत ही माने सराहनीय कार्य हो रहा है। तो ऐसे शिक्षकों के साथ लगातार हम लोगों को जुड़कर उनसे सुनने की जरूरत है, हम अपने विचारों को व्यवहारों को उस तरह से अभी भी न लाए। पहले हम जो गांधी जी कह रहे थे कि पहले हम लोग लगातार ऐसे शिक्षक अपने तरीके से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंत में उन शिक्षकों के माध्यम से ही हमारा समाज शिक्षित होने वाला है, हमारा परिवार शिक्षित होने वाला है, हमारे बच्चे शिक्षित होने वाले हैं। तो जो इस तरह के शिक्षक पूरे बिहार में कुछ कर रहे हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके कामों को सुनना है, समझना है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम में हमारे स्कूल से जो जेंदर केसरी जी भी जुड़े उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत दिनों के बाद जेंदर केसरी जी को सुनने का हमको अवसर मिला। और न माने विशेष रूप से इनसे पहले से भी परिचय है इसलिए बोले हमने चाहिए थी। तो इसमें जो भी साथी शिक्षकगण जुड़े हुए हैं और अपने विचारों को रखे यह बहुत ही सराहनीय है और हम लोगों को आगे भी इस कड़ी में शिक्षक के साथ बातचीत को आगे जोड़ते रहना है और इस कार्यक्रम को आगे चलाना है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। शुक्रिया राजीव जी। राम नरेश झा जी हमारे साथ हैं, राम नरेश झा जी से आग्रह है कि दो शब्द अपने माइक और वीडियो को ऑन कर। आभारी हूँ राय जी आपका और गरीब साहब का। आप लोगों का प्रयास बहुत ही अच्छा है, आपको अपना वीडियो भी हम लोगों को दिखाना चाहेंगे। मेरा कोई ऐसा तो है नहीं, आप देखना चाहते हैं वैसे जब आप आपका आदेश है तो मैं उसका पालन तो करूंगा ही। आपके हम लोग के टीचर हैं। मैं कहिए रहा कि आप लोगों का प्रयास बहुत ही अच्छा है, खास से इस मामले में शिक्षा में भी आधार का काम प्राथमिक शिक्षा ही करते हैं और प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर है, लेकिन जैसा कि मैं सुन रहा था स्कूल से एक शिक्षिका वो जहां नारा ने जो कहा था तो उनके अंदर ये जज्बा कि मेरा बचपन चूंकि मुझसे छीन लिया गया तो समाज को उसके बदले में हम ये देंगे कि हर बच्चे के बच्चों का बचपन को बनाएंगे, उनको शिक्षित कराएंगे। अगर शिक्षकों में आपके प्राथमिक शिक्षकों में बात मैं ये कहता हूँ ये जज्बा हो तो ये देश बहुत गर्म कर सकता है। एक दूसरे साथी ने कहा था कि जब आप नवाचार की बात करते हैं तो आपके यहाँ से जो कुछ शिक्षक है वो कर देंगे जो कुछ अपना घर बनाना चाहता है वो करना चाहता है, मैंने वो शुरू हो जाती है बाधा उत्पन्न करना। मैं कहना चाहूंगा कि जिसका हमको अपना निजी अनुभव ही है, मैं प्राथमिक विद्यालय में तो नहीं था लेकिन जिस विद्यालय में था जहाँ वहां पर कुछ ऐसा अवसर मिला कि मुझे आगे बढ़ के काम करने का मौका मिला, जज्बा था, मैं 24 घंटा लगा रहा था। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे खिलाफ एक ही शिकायत थी कि ये खाली अपना शो करना चाहते हैं बच्चों के बीच में बच्चों के। तो राय जी आज की स्थिति ये हो गई कि ये सरकार किसी को काम देती है लेकिन काम करने की सहूलियत तो जोड़ दीजिए, काम करने की काबिलियत भी नहीं देती। ये शिक्षक बहाल करते हैं लेकिन शिक्षक अपना काम ठीक से कर पाए इसकी ओर इनका कोई प्रयास नहीं होता है, लेकिन हजारों साल का इतिहास है जो आप भी जुड़ा है, समाज में जब एक दिया जलता है तो उसका भी असर बहुत दूर तक होता है।
दीपक की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाए, लेकिन बहुत दूर से भी लोग दीपक की रोशनी को देखते हैं। हम यही कहेंगे कि बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों का प्रयास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और ये रंग लाएगा। मेरी भी शुभकामना है आपके साथ। मुझे इजाजत दीजिए कि हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त। जरूर आपका ये आशीर्वाद शिरोधार्य है। रामकृष्ण जी वैशाली से हैं। रामकृष्ण जी आप अपने माइक वीडियो को अनम्यूट कर लीजिए। तो नहीं कर पा रहे हैं। और कोई साथी यदि कोई टिप्पणी करना चाहते हैं संक्षिप्त तो अनिल जी गया से कुमारी नीलम है। हाँ नीलम जी बोलिए जी। प्रणाम सर सभी। मैं स्टार्टिंग से ही सर आप लोगों के साथ इससे जुड़ी हुई हूँ, बनी हुई हूँ, और ये आज का आज की ये श्रृंखला काफी एकेडमिक होने के साथ साथ काफी रोचक और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो थीम थे जो हम लोग लगभग होते जा रहे थे, जैसे MLL की अवधारणा मनोज झा जी ने बताया, जो उसको रिकैप किया, समानुभूति कॉर्नर की जो बात बताई, और इसी तरह से कहने का आशय यह है कि इस श्रृंखला में कॉग्निटिव अनकॉग्निटिव को लेकर के हम लोगों ने जितनी तरह की तथ्यात्मक बातों पर को सुना समझा सर, ये काफी ज्ञानवर्धक तो है ही, और अपेक्षा भी है, और आप लोगों ने ये अभी ये संदेश भी दिया कि हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मेरे समझ से यह धरातल पर बहुत ही ऊर्जावान्वित होगा बच्चों के लिए, सिस्टम के लिए, शिक्षकों के लिए, उनमें भी एक नई स्किल का और नवाचार का उदय होगा बच्चों के साथ एक्टिवेट करने में। और बहुत ही अच्छा लगा सर, इसमें लग रहा है काफी होता जा रहा है सर। एक थोड़ा सा ये हमारी एक अपनी उद्गार है सर, हम लोग इतने बड़े फलक पर इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर जाति सूचक शब्द का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बदले अगर आमूल में जैसे उनके लिए ST शब्द का प्रयोग है, तो इस तरह के शब्द का अगर प्रयोग किया जाए तो काफी अच्छा लगेगा और सुनने में भी सुग्रह होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ सर धन्यवाद और शुक्रिया। धन्यवाद जी। दीनानाथ जी प्रथम से हैं, अगर वे कुछ कहना चाहते हैं तो। नमस्ते सभी को। दीना सलाम। सलाम सर। मुझे सबसे मेरी आवाज आ रही है सर एकदम? तो प्रथम की ओर से सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और सबसे एक अच्छा जो मैसेज मुझे लगा कि अपन विद्यालय और अपन प्रयोग, जो अपनापन है, जब तक ये फीलिंग लोगों में अभिभावकों में नहीं आ पाएगा, तब वो ये फीलिंग हमें लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और ये एक अच्छा लगा कि राइट टू एजुकेशन फोरम या बिहार टीचर्स फॉर चेंज और जो बहुत पूरा इनिशिएटिव की अगर हम लोग बातचीत करें तो हसरत मोहन ने साइंस घर ने जो उठाया है, ये एक निश्चित रूप में एक अच्छा कदम है, अच्छा प्रयास है। और लोगों ने कई बार हम लोग गाड़ी दक्षर प्रशिक्षण में थे तो हमें एक शब्द सुनने को मिलता था कि चेंज एजेंट, तो आज मुझे लगा कि जो समाज में एक बदलाव दिख रहा है या बदलाव हो रहा है तो वो चेंज एजेंट के रूप में जहां आ रहा जी हैं, मनोज सर हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें हमें मतलब इस फोरम पे लाना है, और उनकी आवाज को सिर्फ हम लोग यहीं तक ना रखें, इसकी आवाज को और आगे तक हम लोग लेके जाएं। तो निश्चित रूप में बहुत अच्छा लगा, और खास करके जिस तरीके से अनिल सर ने पूरे इस पूरे प्रोग्राम को मॉडरेट किया।
आपकी आवाज कट गई। तो सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, अच्छा लगा, वेरी गुड। तो मेरे तरफ से मुझे इतना ही कहना था सर। अनिल जी आगे बढ़ाइए। अनिल सर अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। गालिब सर। हाँ मैं आ गया हूँ। और कोई साथी अगर कुछ करना चाहते हैं तरफ से वे संक्षेप में दो मिनट में की। ओके अब समय भी हो गया, अब इसको दो घंटे के लिए ही हम बैठे थे। सभी को नमस्ते, मैं मनोज कुमार अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी कहा जा। हाँ सर आवाज जा रही है? आ रही है जी जी। तो आज बहुत अच्छा वो जानकारी का अनुभव हुआ कि जो क्लासरूम से हमारे चेंज होंगे वो धरातल पर दिखाई पड़ेंगे। जो आदरणीय मनोज झा जी ने बताया कि हमारे जो आंदोलन है, जो हमारे परिवर्तन है और जैसा हम लोग सपना देख रहे हैं उसका परिवर्तन हमको अपने क्लासरूम से ही शुरू करना है। और खासकर जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के अंदर अगर परिवर्तन का जज्बा पैदा होगा तो भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। अनिल जी आप डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ सर कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। लगता है दोस्तों कि अनिल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आज की चर्चा उम्मीद से ज्यादा रही और ये चर्चा जो चर्चा है ये सिलसिला भी चलेगा। फौरी तौर पर हम लोग महीने में ऐसा अनिश्चित मेरी आवाज जा रही है? हाँ कंट्रोल कीजिए। हाँ सर आ रही है। आपका कंक्लूड कीजिए। आप इसको समाप्त कर लीजिए। कुछ टेक्निकल दिक्कत है तो बहुत सी चर्चा का संवाद उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा। आपने जो अनुभव शेयर किए हैं, जिन परेशानियों की चर्चा आपने की है, सारे लोग जिन्होंने इसको देखा है सबको एक दूसरे से इम्पावर्ड हुए हैं। हम इस सिलसिला को हम लोग अभी और आगे बढ़ाएंगे और हर महीने एक संवाद का आयोजन होगा। तो आप सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, तैयारी के साथ आए,
हमारे सारे स्पीकर्स चंद्रशेखर साहू जी, मनोज, जहांआरा, सुधीर, सारे लोगों को क्या बोलते हैं, फिर आरटी फोरम से मित्र रंजन, अपराजिता जी, सारे दोस्तों ने, अनिता बक्सर, नीलम जी, गया यूपी से एक साथी का बोलते हैं, नहीं का बोलते हैं, अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, राजू रंजन ने, जिन्हें तो इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, समाप्त नहीं करते हैं, संवाद ही चलेगा। एक पंक्ति के साथ, मैं चला था अकेले जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। देख अनिल जी से हमने कुछ साझा किया, इन सारे आज के वक्ताओं से साझा किया, तो इस तरीके से कारवां बनता है, इस तरीके से बनता है, और हम दिया मिलाएंगे। हमको है, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सभी लोगों को बधाई, नमस्कार, नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर, नाम सर, प्रणाम 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 प्रणाम। मेरे छोटा सा कार्यालय सर, मेरी ओर से भी सभी साथियों को धन्यवाद, थैंक यू सर, जय भीम सर, जय भीम, हेलो सर, सर, अच्छा लो कोई बात नहीं, अगली बार, अगली बार, अगली बार, यस सर, ठीक है, बहुत बहुत बंद धन्यवाद सभी को।